नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया हुआ था कि मैं सिविल सर्विस यानी कि आईएएस प्रीलिम्स की आपके कम से कम 10 साल के पुराने क्वेश्चंस पेपर जरूर आपको दिखाएंगे भी और उसके आंसर भी बताएंगे, और आप देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए पिछले सालों में और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। समझ रहे हैं आप लोग? तो याद रखिए, पहले सबसे पहले हम लोग 2011 का यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट, जो आप सभी जानते हैं कि 100 नंबर रहते हैं इसमें और 200 नंबर का रहता है, ठीक है। और याद रखिए, इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। आप लोग तुक्का बड़ी सोच समझ के लगाइएगा। और इन सब की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं। आपको एक सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूं कि 2011 की अगर हम लोग प्रीलिम्स के पहले पेपर की बात करें, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, तो इसमें आपके सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लगभग आपके 20-21 क्वेश्चन पूछे गए थे 100 क्वेश्चन में से। वहीं अगर हम लोग भारतीय राजव्यवस्था की बात करें तो लगभग आप देखेंगे 12 क्वेश्चन के करीब आपके राज्य जो राजव्यवस्था है भारत की, इससे क्वेश्चन आए हुए थे। भारतीय इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से अगर हम बात करें तो आप देखेंगे लगभग 23-24 क्वेश्चंस आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए थे। और वहीं आप देखेंगे भारतीय इतिहास से आपको देखने को मिलेगा 7-8 क्वेश्चंस आपके भारतीय इतिहास और संस्कृति से पूछे गए थे। और इसमें आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आप लोग देखते हैं, उसमें भी आपके 8 क्वेश्चंस थे। इस तरह से आप देखेंगे दोनों वो आपके 13-14 क्वेश्चंस आपके इतिहास से टोटल पूछे गए थे। वहीं अगर हम लोग विश्व एवं भारत के भूगोल की बात करें तो यहां आप देखेंगे 20-22 क्वेश्चंस आपके विश्व एवं भारत के भूगोल से पूछे गए थे। एक टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं सांख्यिकी और मानसिक योग्यता, यानी कि घटना चक्र से अगर हम लोग बात करें यानी कि करेंट अफेयर्स, जिसके लिए आपसे कहा जाता है कि आप लोग एक न्यूज़पेपर कम से कम फॉलो करते रहा करिएगा। समझ रहे हैं? अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए बेस्ट पेपर है, दैनिक जागरण भी पढ़ सकते हैं और जनसत्ता भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन 100 के करीब आपके पूछे गए थे। अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके सभी को देख लेते हैं। एक तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये आपका सेट ए है। आप देखते हैं ना कि आपके 4 सेट आते हैं ए बी सी डी के रूम में, तो इसमें आपका ए है, इसे आप लोग देखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर में क्वेश्चन नंबर पहले के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाता है आंसर बताने में उसका, तो आप लोग नीचे थोड़ा विस्तार से लिख दिया करिएगा, ठीक है। वैसे मेरी तो कोशिश यही रहती है कि कोई क्वेश्चंस का, किसी भी क्वेश्चंस का यानी कि प्रश्न का आंसर आपको गलत ना बताएं, लेकिन फिर भी अगर गलत हो जाता है, मैं भी तो इंसान हूँ और गलती होती रहती है, तो आप लोगों को जरूर सुधार करना है उसका और नीचे विस्तार से लिख देना है। और 2011 से हम लेके पहला पेपर 2020 तक जितने भी हुए सब पर हम लोग बात कर लेंगे एक एक करके, और आने वाले समय में जितने होते रहेंगे उन पर भी विस्तार से बात करते रहेंगे, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी के बारे में पुरानी क्लासें जो हम लोगों ने ली हुई हैं उन्हें नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। प्लेलिस्ट सूची में बना एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है सिविल सर्विस के नाम से, उसी में सभी क्लासें आपकी पड़ी रहेंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये आप देखेंगे करंट से आपका क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है आपसे? केंद्रीय बजट 2011-12 में जैव मूल एस्फाल्ट बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई, इस पदार्थ का क्या महत्व होता है? किसका? बायो एस्फाल्ट का क्या महत्व होता है आप लोगों को बताना है। और इसमें आप देखेंगे क्या देखेंगे आप लोग कि 2011-12 के बजट के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोगों से भी तो कहा जाता है बजट पढ़ लिया करिएगा। देखिए आप लोग जब पहली लाइन पढ़ लेते हैं, इसे आप लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद या तो आप लोग कर सकते हैं कि इसे जरूर पढ़ लिया करेगा, क्योंकि इसे ना पढ़ने की वजह से आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर बैठते हैं हम लोग।
तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है आपसे, और आपको सही कथन चुनना है। तो इसमें सबसे पहले बता रहा है कि पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता है। दूसरा कह रहा है बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल साधनों से निर्मित हो सकता है, बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है, और बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। इन चार कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे आपका चारों कथन बिल्कुल सही है। चारों कथन कैसे हैं? बिल्कुल सही है। और इसमें पूछ क्या रहा है? सही कथन। तो आप लोग क्या लगाएंगे इसमें? इसमें लगाएंगे आप लोग डी ऑप्शन। क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। वैसे बता दूं, बायो एस्फाल्ट नवीकरणीय स्रोत से उत्पन्न होता है, और इसका प्रयोग आप देखेंगे गैर पेट्रोलियम सड़क निर्माण के कच्चे साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जैव एस्फाल्ट के स्रोत के रूप में चीनी, सोरा, मक्का जौ प्राप्त किया जाता है। यह सड़कों की सतह के तापमान को पेट्रोलियम डामर की तुलना में कम रखता है, इसीलिए इसका उपयोग पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है। अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। क्या पूछ रहा है आपसे? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, उपयुक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं? कौन से होते हैं बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड भी होते हैं। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? इसमें भी आपके तीनों सही हैं, यानी कि डी। आप सभी जानते हैं कि ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में ज्यादातर कोयले का उपयोग हमारे यहाँ होता है, और कोयले के दहन से यानी कि कोयले को जलाने से आप देखेंगे CO2 और NO2, सल्फर के ऑक्साइड और अतिरिक्त काले का उत्सर्जन होता है, और भारत में ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग आप देखेंगे तापीय संयंत्रों द्वारा उत्पादित होता है, जिसका कार्बन चक्र में सर्वाधिक योगदान भी होता है। जो कोयला होता है ना, इससे सबसे ज्यादा आप देखेंगे कार्बन उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। अगला में क्वेश्चन हमारे सामने तीसरा, दूर संचार प्रणाली हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अपरगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब तक होता है जब तक कि कक्षा भू तुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भू मध्य रेखा की समतल होती है, कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। नीचे दिए कूट कर आपको सही उत्तर चुनना है। इसमें से क्या चुनना है? सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे कक्षा भू तुल्यकालिक होती है, बिल्कुल सही है, कक्षा वृत्ताकार होती है, और कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा की समतल होती है। इसमें आपके तीन ऊपर के सही हैं, इसमें आपका चौथा गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? आप देखेंगे कि जो आपका पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 22,236 मील होती है, ना कि किलोमीटर में, और यहां आपका क्या दिया गया? किलोमीटर दिया गया, यानी कि अगर आप इस किलोमीटर में इसकी ऊंचाई निकालें तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैसे आपको बता दूं कि भू अपरगामी कक्षा पृथ्वी के विषुवत रेखा के समानांतर होती है, और इस कक्षा में आपको देखने को मिलेगा कि उपग्रह की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसी एक निश्चित भूभाग की उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके, और इसकी ऊंचाई को आप लोग किलोमीटर में देखिए, 36,000 किलोमीटर देखने को मिलेगी, और पृथ्वी से इसकी ऊंचाई अगर मील में देखें तो 22,236 मील देखने को मिलेगी। इसे भी याद रखिएगा। देखिए थोड़ी बड़ी क्लास हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे हम लोग बड़े विस्तार से बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में
व्यस्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र के विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट जा गया। बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग पीति रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हुए हैं, इनमें से आपको सही चुनना है। क्या चुनना है? सही चुनना है, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे, बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग पीति रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, बिल्कुल सही है। आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध आए हुए हैं, यानी कि इसमें आपका कथन दूसरा और कथन तीसरा बिल्कुल सही है। खाद्य मुद्रा स्फीति से तात्पर्य यही होता है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से लगाया जाता है। खाद्य मुद्रा स्फीति का मतलब क्या होता है? इसके खाद्य पदार्थों की जो कीमत में मतलब एक तरह से अधिक वृद्धि हो जाती है ना, उसे ही आप लोग खाद्य मुद्रा स्फीति कह देते हैं। इसका मुख्य कारण यही होता है कि मांग और पूर्ति कीमत असंतुलन हो जाता है, तो खाद्य मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है। बढ़ी हुई आय के कारण आप देखेंगे लोगों के उपभोग की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। अब जब सोचिए आप लोग कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी किसी खाद्य पदार्थ की, तो लोगों को उपभोग यानी कि खरीदने में उसका उपयोग करने में दिक्कत तो आएगी। जैसे आप लोग पेट्रोल को ले लीजिए, अभी करंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? सही कथन पूछा है इसमें, तो इसमें आपका दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी कि आप लोग बी ऑप्शन इसमें लगाएंगे। किसमें? बी ऑप्शन 4 में आपका बी। क्वेश्चन है हमारे सामने 5। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन 5 पूछ रहा है, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में चीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षित स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होता है? उनकी मदद से पशुपालन की वंशावली जानी जा सकती है, उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं, उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं, और इनमें से सही कथन आपको चुनना है। 5 में सही कथन आपको चुनना है, बताइए कौन सही होगा। अगर आपको मालूम चल जाता है तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं जल्दी से। तो इसमें आप देखेंगे, एक तो इसकी मदद से क्या होता है, उसकी मदद से पशु की वंशावली जानी जा सकती है, एक सही है आपका। और उसकी मदद से आप देखेंगे पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा, यानी कि 1 और 3 कथन बिल्कुल सही है, और 1 और 3 कथन ही पूछा है। डीएनए में कार्बन शर्करा ऑक्सीराइबोज होती है, आप सभी जानते हैं। सभी जीवों में यह अनुवांशिकता का वाहक होता है, जीन की बात कर रहा हूं। इसके वैज्ञानिक अवलोकन और परीक्षण के द्वारा होने वाले अनुवांशिक रोगों का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। जैसे आप देखिए डायबिटीज, अल्जाइमर्स, मोटापा, स्नोफिलिया, इन सभी का पता भी लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे फसलों और मवेशियों के जीनों में बदलाव करके उन्हें अधिक गुणवत्तापरक और उत्पादक भी बनाया जा सकता है। उदाहरण के आप रूम में आप देख सकते हैं बीटी कपास, बीटी बैगन, भीमा भैंस, किलोन, ये सभी इससे ही तैयार किए गए हैं। तो 5 में आप लोग क्या लगाएंगे? 5 में आप लोग लगाएंगे सी ऑप्शन, क्योंकि 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में आपका ये देखने को मिलेगा, 19 राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन, बताइए निर्यात था, आयात था, क्या था? निर्यात था, आयात था, या फिर उत्पादन था या उपभोग था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए आयात था। क्या था? आयात था। आप सभी लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुरूप किसी अंतरराष्ट्रीय खेल का आयोजन आयोजक द्वारा अन्य सहयोगी देशों के लिए निर्यात आदेश मत माना जाता है, और जिसमें प्राप्त मुद्रा भुगतान संतुलन के लेखे में जोड़ी जाती है, तो ये निर्यात था। क्या था? निर्यात था। क्वेश्चन नंबर 6वें में ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती हैं, क्यों समझी जाती हैं?
ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कल कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती हैं। दूसरा कथन इसमें है आपका, ये विभिन्न प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती है। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। और इनमें से आपको कौन सा कथन सही दिख रहा है, सही कथन चुनना है, यानी कि साथ में आपको सही कथन चुनना है। बताइए सही कथन कौन सा हो सकता है इसमें। एक काम और कर सकते हैं आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके, या आप लोगों के पास पेपर है तो पेपर सामने रख के आप लोग देखिएगा, तो मुझे लगता है और बेहतर आप लोग समझ पाएंगे और आंसर आपके सामने आ पाएगा। तो इसमें आपको सही बताना है। तो एक तो इसमें आप देखेंगे कि सही कथन में आपका ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती है, एक कथन बिल्कुल सही है। और आप देखेंगे इसमें तीसरा कथन, ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। यानी कि एक और तीन कथन बिल्कुल सही है। एक और तीन कथन कैसा है, बिल्कुल सही है आपका। यानी कि आप सी ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऐसे कार्बनिक पदार्थों का धारक होता है जो सूक्ष्म जीवों को रासायनिक ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये सूक्ष्म जीव इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा ऊर्जा निर्माण की क्रिया पूर्ण करते हैं। और ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं। और इनका प्रयोग आप देखेंगे जल शोधन के लिए भी किया जाता है, और जिसकी लागत आप देखेंगे सबसे कम देखने को आपको मिलेगी। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है। क्या पूछ रहा है 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है, कौन सा कारक करता है इसमें, बताइए आप लोग बताइए। तो इसमें आप देखेंगे यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया बेहद निवेश है, जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति कर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। और यह सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों पर की गई गहन कार्रवाई है, जिसका लक्ष्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरित करना, जिससे बेहतर खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और खाद्य स्फीति पर अंकुश लग सके। और डी है इसमें, यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्रवाई है, जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन नीति का अनुसरण करना है। इसमें से इसकी वित्तीय उत्प्रेरक की सही समुचित व्याख्या कौन सा कथन करता है, बताइए आप लोग। तो इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है। और वित्तीय उत्प्रेरक से तात्पर्य सीधी सी बात है कि मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को प्रोत्साहन करने के लिए दिए जाने वाले वित्त से लगाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है, इस छिद्र के बनने का संभावित कारण कौन सा है। आप सभी जानते हैं कि ओजोन छिद्र का जब बनना मालूम चलता है तो काफी चिंता भी व्यक्त करने लगते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ओजोन परत है ये क्या करती है, ऊपर से जो हानिकारक किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करती है, समझ रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे विशिष्ट जोब मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरो फ्लोरो कार्बन का अंतर्वाह, विशिष्ट ध्रुवीय वाताकीय तथा समतामंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरो फ्लोरो कार्बन का अंतर्वाह। तीसरा इसमें सी है, ध्रुवीय वाताकीय तथा समतामंडलीय बादलों की अनुपस्थिति और तथा मीथेन
और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह, और इसमें डी आपको देखने को मिलेगा, वैश्विक तापमान से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान वृद्धि, कौन सा कारण है इसमें? तो इसमें कारण आप देखेंगे बी, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। ओजोन को आप लोग O3 के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोग याद रखिए कि समताप मंडल की निचली परत में पाई जाती है आपकी ओजोन गैस, जो पृथ्वी से लगभग आप देखेंगे 35 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। और आप सभी से बता भी चुका हूं कि यह सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, हमारी रक्षा करती है। और कई प्रदूषण होते हैं जिससे आप देखेंगे O3 यानी कि ओजोन में क्षति हो जाती है, और यही चिंता का कारण भी बनता है। और इसका कारण कि अगर हम लोग बात करें तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया करता है और क्लोरीन बनाता है, और क्लोरीन का एक परमाणु आपके O3 के 1 लाख परमाणुओं को नष्ट कर सकता है, और इसीलिए आप देखते हैं कि ये चिंता का कारण बन जाता है। और आप देखेंगे कि यह ओजोन से क्रिया करके CLONO2 और CLOOCl बनाता है, ठीक है, ओजोन को क्षति पहुंचाता है। तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 10, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित कार्यवाहियों का विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं, बताइए। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, और उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI आए और FIIS से अधिक निधि आए। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकती हैं? इन तीन में से आपको बताना है, क्या बताना है? इन तीन में से आपको बताना है, बताइए। एक तो आप देखेंगे घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, और एक आप देखेंगे उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में आर्थिक FDI आए और FIIS से अधिक निधि आए। आप सभी लोग जानते होंगे भुगतान संतुलन में 2 प्रकार के खातों का उल्लेख किया जाता है। एक तो आप देखेंगे प्रथम चालू खाता, और द्वितीय होता है पूंजी खाता। चालू खाते में आप देखेंगे 2 खाते सम्मिलित होते हैं, एक तो आपकी दृश्य मद और दूसरे में आप देखेंगे अदृश्य मद। चालू खाते में आप देखेंगे घाटे को दूर करने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? 1 और 3 कथन सही है, 1 3 कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 11, संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज स्थापनाओं को प्रोत्साहन करना है, और निम्नलिखित में से किस चीजों की व्यवस्था करता है? और आप सोचिए कि अगर कुछ समय तक गांधी जी जिंदा रहते तो आप सोचिए शुरू में ही पंचायतों को, स्थानीय पंचायतों को संविधान में जगह मिल जाती है, जिसे आप जाते हैं कि आगे चल के आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा जगह मिलती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आपका क्या लगाएंगे आप लोग? जिला योजना समितियों का गठन करने की, दूसरा कथन है इसमें राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, और राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर आपको चुनना है, इसमें सही उत्तर क्या करना है? चुनना है। तो एक तो आपको देखने को मिलेगा राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों को चुनाव करने की, और तीसरा है राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। और एक बात और आपको बता दूं यहां कि जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं, जो ये आपका हर राज्य में एक चुनाव आयोग होता है, जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है ये आपके स्थानीय पंचायतों के चुनाव नहीं करवाता है, ना ही उनकी देखभाल करता है। इसके लिए हर राज्य में आप देखेंगे उनका अपना चुनाव आयोग होता है। और आप सभी जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में आप देखते हैं भाग 9 जोड़ा गया था, और भाग 9 में आप देखेंगे 243 से लेकर 243 जा
तब पंचायतों से संबंधित उपबंध किए गए थे। और पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी आप सभी को मालूम होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और नगर निकाय से संबंधित है आपका 74वां संविधान संशोधन, 73वां आपका स्थानीय पंचायतों से, जो आप देखते हैं ना पंचायत प्रधान जिसे आप लोग सरपंच के नाम से जानते हैं, ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत उसी में हो जाती है। जो आप नगर निगम देखते हैं, नगर पालिका देखते हैं, ये आपका क्या होता है 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी। तो इसमें आपका 2 और 3 कथन बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 12वां, क्या पूछ रहा है 12वां, 2 महत्वपूर्ण नदियों जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, और दूसरी जिसका स्रोत आप देखेंगे उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं, यानी कि मिलती हैं, जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव जीवन और जैव विविधता का प्रमुख स्थल भी है और सुरक्षित क्षेत्र भी है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें भीतरकनिका, चांदीपुर ऑन सी, गोपालपुर ऑन सी या सिमलीपाल। तो इसमें आप देखेंगे भीतरकनिका है, क्या है, भीतरकनिका। दक्षिणी कोयल नदी का प्रवाह आप सभी जानते हैं कि झारखंड से प्रारंभ होती है और उड़ीसा में से ब्रह्मणी नदी के नाम से जानते हैं आप लोग, जबकि एक है आपकी बैतरणी नदी, इसका उद्गम आप देखेंगे उड़ीसा से होता है। और आप ये दोनों आपको देखने को मिलेगी समुद्र में मिलने से पहले, ये आपकी भीतरकनिका नामक स्थान पर संगम करती हैं, जो बंगाली की खाड़ी से आपको कुछ ही दूर देखने को मिलेगा। और आप सभी को मालूम होगा कि भीतरकनिका जैव विविधता का भी प्रमुख स्थल है और आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा इसे एक सुरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया था, इसे आप लोग याद रखिए। 12 में आप लोग ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछ रहा है 13 क्वेश्चन। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है, यह आधार प्रभाव होता क्या है, ये आधार प्रभाव आखिर होता क्या है बताइए। यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न अभाव का प्रभाव है, यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। और इस संदर्भ में आप देखेंगे उपयुक्त एबीसी कथनों में से कोई सही नहीं है, एबीसी सही है या ये तीनों कथन गलत हैं बताइए। तो इसमें आप देखेंगे यह विगत वर्षों की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव होता है, आधार प्रभाव, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। स्फीति दर को अनुमानित करने के लिए एक स्थिर आधार वर्ष का चयन किया जाता है जिसमें आप देखेंगे मूल्यों का उतार चढ़ाव संतुलित रहा हो और इससे आने वाले वर्षों के लिए कीमतों की तुलना कर मुद्रा स्फीति का अनुमान लगाया जाता है, ये आप लोग याद रखिए। इसमें क्या लगाएंगे 13 में, सी। 13 में आपका सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 14, क्वेश्चन नंबर 14, भारत की गिनती जनांकिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंस वाले देशों के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है, बताइए इनमें से 4 में से आपका कौन सा सही होगा। तो यहाँ सब आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ आप देखेंगे 15 से लेकर 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है और आप सभी को मालूम होगा कि अभी तक हमारा देश युवा है, अगर इसे मानव पूंजी में बदला जाए, मानव संसाधन में बदला जाए, तो काफी कुछ हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। और समझिए कि यही जनसंख्या आगे चल के बुढ़ापे के रूप में बदलेगी, यानी कि 65 वर्ष से अधिक आयु होगी
तो आप सभी जानते हैं कि इनसे कोई काम नहीं करवा सकते हैं आप लोग, यानी कि मानव संसाधन के रूप में नहीं उस समय ये रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमारे यहाँ मानव संसाधन बनाने में कि कोई उपाय ही नहीं किए गए। मान लीजिए इसे आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप देखते हैं कि 130-135 करोड़ जनसंख्या होने जा रही है। इसमें से अधिकतर जनसंख्या आप देखेंगे कि आपकी 15 से लेकर 64 वर्ष आयु की देखने को मिलेगी। अगर इन्हें कोई काम धंधा मिलता है तो आप सोचिए, ये अपनी अपनी आर्थिक स्थिति, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं, और यही बेरोजगार हैं, इन्हें काम नहीं मिला, तो आप सोचिए कि देश के ऊपर यानी कि सरकार के ऊपर बोझ बन के रह जाते हैं। और इसका फायदा आप देखेंगे चाइना ने काफी अच्छे से उठाया हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे देश ने इस तरह का कोई फायदा नहीं उठा पाया है, और आगे इसका भुगतान भी करना पड़ता है। अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो आपके ऊपर और बोझ बन जाता है एक तरह से। और सीधा सा मतलब यही होता है कि जनांकिकी लाभ का मतलब यही होता है, जनसंख्या के ऐसे भाग से लगाया जाता है जिसकी उम्र कार्य क्षमता निर्धारण के दायरे में आती है, यानी कि काम कर सकने वाले लोगों में इनकी गिनती होती है 15 से 64 वर्ष की। आप सभी जानते हैं कि 15 साल तक के बच्चों से भी कोई काम नहीं निकलवा सकते हैं, ये मानव संसाधन नहीं कहला सकते एक तरह से, छोटे मोटे काम करवाते रहिए। और 65 वर्ष की आयु के बाद आप लोग देखिए कहाँ चले जाते हैं, खटिया पर पहुंच जाते हैं। लेकिन 15 से 64 के बीच में देखिए आप लोग यही तो काम करते रहते हैं, तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन बिल्कुल सही लगाएंगे, 14 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 15, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसी में गलती कर बैठते हैं हम लोग, इस लाइन को ना पढ़ने की वजह से आते हुए भी क्वेश्चंस कई बार आप लोग गलत कर बैठते हैं। अब यहां अगर नहीं आप लोग ना पढ़ें तो आप सोचें कि सही कौन सा है, और आप लोग एक आंसर लगा देंगे, तो इसे इस लाइन को कम से कम 1 से 2 और आप बड़े ध्यान ध्यान से पढ़ लिया करिएगा, क्या कर लिया करिएगा, ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। तो इसमें बताइए आप लोग, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्रोटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे कार्बन उत्सर्जन अभ्यास के नीचे ला चुके होते हैं। और इसमें सी ऑप्शन आपका कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट का लाभ, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इन 4 में से आप देखेंगे 3 तो आपके सही हैं, एक आपका गलत है, और इसमें आपको गलत चुनना है ना कि सही। तो कौन सा गलत होगा? तो इसमें आपके सही बता दूं पहले, तो कार्बन क्रेडिट के संबंध में सही कथन आप देखेंगे कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी, बिल्कुल सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यास के नीचे ला चुके होते हैं, बिल्कुल सही ये कथन है आपका। और इसमें आप देखेंगे कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना होता है, बिल्कुल सही है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। 15 में आपका डी बिल्कुल गलत है, तो गलत ही पूछ रहा था, तो क्या लगाओगे, डी। आप सभी को मालूम होगा कि 1992 में ब्राजील का एक शहर था रियो डी जेनेरो, यहाँ आपका पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण को दूर करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और इसके लिए आप देखेंगे कि इसमें एक निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक देश के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए एक मानक निर्धारित किए गए थे। इस मानक से कम कार्बन का उत्सर्जन करने पर एक कार्बन क्रेडिट हो जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का बाजार मूल्यों पर क्रय विक्रय होता है। आप सोचिए किसी देश ने कम कार्बन उत्सर्जन किया है, वह किसी ने दो अधिक कर दिया है, तो अधिक वाला कम को बेच भी सकता है, उसके बदले कुछ पैसा भी दे सकता है, समझ रहे। तो इसमें आपका डी लगाएंगे आप लोग, 15 में डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी
मूल्य आधारित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है। अब तो आप देख रहे हैं कि आपका जीएसटी भी आ चुका है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कर इनडायरेक्ट जो टैक्स लगाए जाते थे वो आ चुके हैं। तो यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर टैक्सेशन प्रणाली है। यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया गया टैक्स है। यह वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया गया कर टैक्स है, जिसका भार अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। यह मूल्य मूल रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित होता है। बताइए इनमें से सही नहीं है। तो पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसमें कम से कम तीन तो सही होंगे, एक आपका गलत होगा, और गलत आपको चुनना है। क्या करना है? गलत आपको चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे कि यह बिंदु बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। बिल्कुल सही बात है। यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया गया कर टैक्स है। बिल्कुल सही है। यह वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया गया टैक्स है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। ये बिल्कुल गलत है। यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। ये भी सही है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा था? सही नहीं है। तो इसमें आप लोग ऑप्शन में यानी कि गोला में लगाएंगे सी ऑप्शन। ठीक है, क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन। आपको मालूम होगा कि बेट मूल आधारित कर की अवधारणा का प्रतिपादन मॉरिस फारे और विलियम कार्ल सूप ने किया था। इस नाम को भी याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। 16 में क्या लगाएंगे? सी। क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन आप देखिए कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णता नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो आप लोग बताइए। तो इसमें आप सभी को मालूम होगा कि ना तो इसमें निर्यात होता है ना ही आयात होता है, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था बंद पड़ी हुई है। ना तो आप लोग कहीं बेच रहे हैं कुछ और ना ही खरीद रहे हैं। ठीक है, व्यापार पूरी तरह से आप कहिए एक तरह से प्रतिबंधित होता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। उदारीकरण के दौर में आप देखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में आपको नहीं लगता है कि कहीं आपको देखने को मिले कि कोई देश आयात ना कर रहा हो, निर्यात ना कर रहा हो। हर देश आप देखेंगे एक दूसरे देश को निर्यात करते रहते हैं और खरीदते रहते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। इसे याद रखिए, इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बता चुका हूं। क्वेश्चन है हमारे सामने 18। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाए तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्यों मर जाता है बताओ? ऐसा क्यों होता है? मर जाता है, क्यों मर जाता है? क्योंकि आप देखेंगे इसमें मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है, जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो जड़ें होती हैं ये ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं और ये वृक्ष सूख जाता है, यानी कि इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। वृक्षों में आप देखेंगे दो प्रकार के सामान्य ऊतक पाए जाते हैं, ए जाइलम एक फ्लोरम। जाइलम में आप देखते हैं कि वृक्ष के आंतरिक भाग में पाया जाता है और इसका काम होता है कि पृथ्वी के अंदर से जल और अन्य पोषक मृदा लवण को वृक्ष की पत्तियों और तनों तक पहुंचाना इसका काम होता है। और दूसरा होता है आपका फ्लोएम, वृक्ष के सतह छाल पर पाया जाता है, जिसे काट देने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पोषणीय तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं इसी कारण पेड़ की डेथ हो जाती है। तो इसमें बी ऑप्शन आप लोग याद रखिए। 18 में क्या लगाएंगे? 18 में बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है हमसे? न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय संयंत्रों पर
शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। यह पूर्व एशिया शीर्ष सम्मेलन के सदस्यों के बीच बहुपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। यह रूसी संघ तथा यूरोपीय संघ के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। यह ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लिए की गई बहुपक्षीय संधि है। बताइए इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। 19 में आपको एक ऑप्शन चुनना है, कौन सा सही है? तो आप सभी को मालूम होगा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। न्यू स्टार्ट संधि यूएसए यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच आप देखेंगे 8 अप्रैल सन 2010 को की गई थी, और जिसका उद्देश्य है दोनों देशों के मध्य नाभिकीय हथियारों में कटौती की जाए। तो इसमें आप लोग याद रखिए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 20 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से तीन का मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जाति बहुतायता, स्पीसीज रिचनेस, वनस्पति घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति वनस्पति महत्व, आशंका बोध, वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों की विधि अनुकूल, और उपयुक्त में से कौन से तीन मानक इस संदर्भ में सही हैं? तीन मानक कौन कौन से इनमें से सही हैं बताइए। कौन सा सही है इसमें? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक तो आपको देखने को मिलेगा इसमें जाति बहुतायत, स्पीसी रिचनेस, फिर आप देखेंगे स्थानिकता, और फिर आप देखेंगे आशंका बोध, यानी कि 1, 3, 5। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जाति बहुतायत, स्थानिकता और आशंका बोध, इन तीनों आधारों पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, जाति बहुतायत, स्थानिकता और आशंका बोध, इन तीन को याद रखिएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 21 क्या पूछ रहा है? हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडलीय वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? वह बाह्य समता मंडल में पलायन कर जाती है, समुद्र में पादप प्लवक विकास संश्लेषण कर लेता है, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? कथन आपको सही चुनना है, बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देखेंगे समुद्रों में पाद पल्वक विकास संश्लेषण का कर लेते हैं, पादप पल्वक विकास संश्लेषण कर लेते हैं। 21 में दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप आप देखेंगे उत्सर्जित कार्बन का धरातलीय पादपों और समुद्री पादपों द्वारा अवशोषित यानी कि इन्हें ले लेता है, जिससे आप देखेंगे पादप पिलवक अवशोषित कर विकास संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थ बनाते हैं और कार्बन को पोषक तत्वों में परिवर्तित कर लेते हैं। यही कारण है कि वायुमंडल में इसकी सांद्रता नहीं हो पाती है ज्यादा, जिस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है। तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल 2 सही कथन पूछ रहा था ना। क्वेश्चन है हमारे सामने 22। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों में से महत्वपूर्ण समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, पोषकों को सतह पर लाकर, आदि स्थलों जीवों को सतह पर लाकर,
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही कथन चुनना है आपको? क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे पोषकों को सतह पर लाकर, सतह मतलब ऊपर लाकर, ठीक है, अपबिलिंग समुद्री उत्प्रवाह की घटना में आप देखेंगे हवाओं द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान भारी एवं गर्म जल पोषक रहित ठंडे सघन और पोषक तत्वों से युक्त जल द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। ऐसे में पोषक तत्व सतह पर आ जाते हैं, ऊपर सतह पर आ जाते हैं, ये आप लोग याद रख सकते हैं, अपविलिंग। तो इसमें आपका बी ऑप्शन यानी कि दूसरा केवल सही है, तो इसमें यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 22 में आपका बी। देखिए अब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन याद रखिए क्वेश्चन बदल के आ सकता है, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि यूपीएससी में आप देखेंगे रिपीट नहीं होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आप देखेंगे इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन भले ही ना आए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। वर्षा वन में वृक्षों के प्रवर्धों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। वर्षा वन की जातीय धीमी गति से बढ़ती है और विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं। इनमें से एक आपको चुनना है, बताइए क्या होता है, किस कारण? तो इसमें आप देखेंगे वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। वर्षा वन की मृदा में आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में पोषक तत्वों का अभाव होता है। इसी के कारण आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को शीघ्र पुनर्योजित होने में काफी समय लग जाता है। नवास आप देखेंगे 23 में ए, 23 में क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारे सामने 24। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक सबसे उपयुक्त है? यहाँ अधिक वर्षा होती है जो पिचोर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है और इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रमक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई। यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप देखने को मिलेगा, बताइए इसमें कौन सही होगा? तो आपको देखने को मिलेगा यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, 24 में आपका बी होगा। हिमालय पर्वत प्रदेश विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों के संगम है, इसी कारण आप देखेंगे कि यह जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और यह विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और विविध श्रेणी की दुर्लभ वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। इसके लिए यहाँ आप देखेंगे यहाँ की पर्यावरणीय जलवायु विविधता भी जिम्मेदार है काफी हद तक। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन, 24 में बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार करना है आपको, क्या करना है? विचार करना है, विचार ही करना है, और क्या करना है? इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927। और इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से अधिनियम देश में जीव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अथवा उस पर असर डालते हैं। इन चार में से आपको बताना है कि कौन से डालते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कि आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957 ये भी डालता है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 ये भी सही है, भारतीय वन अधिनियम 1927 ये भी आपका डालता है। यानी कि इसमें चारों आपके अधिनियम देश में जीव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आपके, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको बता दूं कि जीव विविधता संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कुछ अधिनियम बनाए गए, इसमें आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947 हो गया, खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927, कृषि उत्पादन अधिनियम 1937, भारतीय कहवा अधिनियम 1942,
भारतीय चाय अधिनियम 1953, ये सभी इसी के संरक्षण की दृष्टि से एक तरह से महत्वपूर्ण है। तो सी ऑप्शन 25 में क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 26, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है, अनुभाविक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इन चार में से एक आपका सही है, आपको बताना है सही कौन सा है, बताइए कौन सा सही है। तो इसमें आप देखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। आप देखेंगे कि जो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत से व्याख्यापित किया है, और इसमें उल्लेख किया गया है कि समाज में रहने वाले लोग विभिन्न जाति समुदाय या वर्ग के होते हैं, आप सभी जानते हैं होते ही हैं, जिनके मध्य अपने अधिकारों और अस्तित्व के लिए संघर्ष होता रहता है, और एक तरह से ये सामाजिक द्वंद्व है। आज भी तो आप देखते हैं एक जाति का दूसरी जाति से संघर्ष होता रहता है, नफरत बढ़ती रहती है, कुछ कमी रह जाती है तो आपके राजनेता उसी में आग लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 27, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। कौन सा कथन सही है बताइए, सही कथन आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे ना तो आपका एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों कथन आपके गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आयन मंडल पृथ्वी के वायुमंडल में जो बाह्य मंडल होता है उसके नीचे पाया जाता है, और इसमें तीव्र गति के विद्युत आयन उपस्थित होते हैं जो रेडियो तरंगों के संचार को सुगम बनाते हैं, समझ रहे हैं? तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, ना तो आपका सही ए है और ना ही दो है, मतलब ना तो एक है ना ही दो है, डी ऑप्शन आप लगाएंगे, ठीक है। इस कथन को आप लोग जरूर पढ़ लिया करिएगा, इस लाइन को। चलिए अब चलते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ, क्लास बड़ी होगी, देखिए बड़े विस्तार से हम लोग बात कर रहे हैं ना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और संस्थागत विदेशी निवेश FII दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंधित हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है, इन दोनों में भिन्नता बताता है, बताइए 28 वालों क्या होगा। FII बेहतर प्रबंधन कुशलताओं और प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है, जबकि FDI केवल पूंजी लेकर आता है। FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि FDI का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। सी इसमें कह रहा है कि FDI केवल द्वितीयक बाजार में चलित होता है, जबकि FII का लक्ष्य प्राथमिक बाजार होता है। FDI की तुलना में FII अधिक स्थायी माना जाता है। इसमें से आप लोग कौन लगाएंगे? तो इसमें आपका बी सही है, FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि FDI का लक्ष्य केवल विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित होता है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऐसा निवेश होता है जो निवेशक देश में रोजगार में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीवन निर्वाह स्तर में वृद्धि और तकनीक का प्रयोग आदि के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में FDI में वृद्धि करता है। जबकि आपका जो विदेशी संस्थागत निवेश होता है यह किसी देश की वित्तीय बाजार में निवेश से लगाया जाता है, और FII की प्रवृत्ति संकट काल में शीघ्र पलायन की होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है, बैंक एग्जाम में आपके इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बैगन की अनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य क्या है? आप लोग बताइए आपके क्षेत्र में बैगन को क्या कहते हैं, देसी भाषा में बैगन को क्या कहते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा इसे। इसे नाशक जीवी सह बनाता है, इसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाता है, इसे जलाभाव सह बनाता है, इसकी निधानी आयु बढ़ाता है, बताइए 29 में क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपका होगा
इसके नाशक जीवी सह बनाता है, इसे नाशक जीवी सह बनाता है। बीटी बैगन, बैगन फसल की एक ऐसी प्रजाति विकसित की गई है जिस पर आप देखेंगे कीटों का असर नहीं होता है, कीटों से सुरक्षा देता है इसे। और इसमें आप देखेंगे बैसिलस थोरिजिनिसिस बैक्टीरिया को बैगन के जीन में प्रवेश कराया जाता है, जो इस फसल का उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही कीट रोधी भी बनाता है, कीट इस पर आक्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि अधिकतर सब्जियों में आप देखते हैं कीट लग जाता है और नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 30। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है, बताइए कैसे विचार करेंगे आप लोग। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष आयु वर्ग में होना चाहिए। और इसमें आप देखें योजना से में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है आपका, बताइए कौन सा कथन सही है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक तो आपका इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और इसमें आप देखेंगे इस योजना को आपने देखा होगा 2007 में शुरू किया गया था। और इसमें आपको एक आपका होगा योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा से 9वीं से 12वीं तक के बीच पढ़ रहे दो बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा गया है, ये भी सही है। यानी कि 1 और 3 कथन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि असंगठित एवं भूमिहीन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और इसमें लाभार्थी का जीवन बीमा भी किया जाता है और उसे आकस्मिक आय में आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती थी। अब तो आप देखते हैं कि अटल बीमा योजना कौन कौन सी योजना आ चुकी है, इन्हें भी याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 31वां। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे कह रहा है तेल की वैश्विक कीमतों के संबंध में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है, इस पद का क्या मतलब है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप देखिए कि समाचारों में आपने देखा होगा तेल की वैश्विक कीमतों के संबंध में या संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल, ब्रेंट क्रूड ऑयल समाचारों में आपको देखने को मिलता होगा, इसका आखिर मतलब क्या है। तो ये इसमें पूछ कह रहा है कि कथन एक में यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है, यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है, यह सल्फर मुक्त होता है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। यानी कि आपको सही कथन इसमें चुनना है आपको कि सही कथन कौन सा है। तो इसमें आप देखेंगे यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है और यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें 1 और 2 कथन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ब्रेंट कच्चा तेल में आप देखेंगे कि 0.37% गंधक यानी कि सल्फर होता है, जिसे स्वीट क्रूड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण भी है। इसका ज्यादातर खनन आप देखेंगे उत्तरी सागर में आपको देखने को मिलेगा, इसमें सल्फर होता है ना कि सल्फर मुक्त होता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। और याद रखिए इस तरह की कोई टर्म अगर चर्चा में रहते हैं, समाचारों में दिखते हैं, तो उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। और इसीलिए तो कहते हैं कि कम से कम एक न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करते रहिए। आजकल तो आप देखिए ईपीडीएफ के रूप में भी मिल जाता है ऑनलाइन, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके शहर में नहीं मिलता है तो। अगला 32 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, 32 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या मतलब होता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे क्या मतलब होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभिकीय क्रिया को रोकना, इन 4 में से 1 ऑप्शन आपको चुनना है।
तो आप सभी जानते हैं कि इसमें इसका मतलब होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। और भारी जल को आप जानते होंगे कि D2O के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होते हैं इसमें। और परमाणु ऊर्जा उत्पादन भट्टियों में इनका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, जिससे यह क्या करता है कि न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करता है और तभी नियंत्रित नाभिकीय क्रिया संपूर्ण हो जाती है। और इसी के द्वारा आप देखते हैं कि कार्बन मुक्त आबाद ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग भी किया जाता है, यूरेनियम 235 का। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 33। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं मेयो इस समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ को प्राप्त कर सकता है। इनमें से आपको सही कथन चुनना है, तीन में से कौन सा कथन सही है आपको क्या करना है, बताना है। तो बताइए कौन सा कथन सही है, अगर आता हो तो बता दीजिए और नहीं आता हो तो ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है, ये भी आपका सही है। तो इसमें आप देखेंगे कथन एक भी सही है, कथन तीन भी सही है, यानी कि एक तीन सही है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, भारतीय संविधान का आप लोगों ने आर्टिकल 30 पढ़ा होगा। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं मैं। इसमें लिखा है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे अल्पसंख्यक संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी कर सकता है, उनकी संचालन भी कर सकता है। और सरकार द्वारा आप देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी ये उठा सकता है। लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति ने मनोनीत लोकसभा में नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन, एक और तीन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है अगला 34। भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में और वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा, व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन करना और सार्वजनिक भवनों में ढाल की उपलब्धि होना, यानी कि उनकी व्यवस्था, उनके आने जाने की व्यवस्था करना। इन तीन में से आपको सही कथन चुनना है, क्या चुनना है, सही कथन बताना है, बताइए सही कथन कौन सा है। और आप देखेंगे बहुत ज्यादा विकलांग व्यक्तियों की संख्या है हमारे देश में। तो एक तो आप लोगों ने देखेंगे इसमें कि तीनों बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक इन्हें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, व्यवसाय स्थापित करने के लिए इन्हें वरीयता से भूमि भी आवंटन की जाती है और सार्वजनिक भवनों में ढाल यानी कि आने जाने की सुविधा आप देखते हैं कि एक तरह से ये आसानी से उनकी पहुंच हो सके, तो ऐसी व्यवस्था की जाती है। तीनों बिल्कुल सही है। एक आप लोगों ने सुना हो विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के बारे में सुना होगा। इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष तक सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, सरकारी स्कूलों में, ठीक है। और स्वरोजगार के संबंध में भूमिहीन विकलांगों को भूमि की उपलब्धता बढ़ाना और भवनों में आप देखिए भवनों का निर्माण और वरीयता की सूची के आधार पर निःशुल्क यातायात की व्यवस्था करना, ये सभी व्यवस्थाओं की बात की गई है। और आपके सामने भी आते हैं तो आप लोग भी मदद करते रहिए, क्या कर सकते हैं। अगला 35 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला 35 क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर सकती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु उद्यमियों के लिए उद्गामी और परिस्थिति के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराना हेतु, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। या तो आप लोग ऐसा करिए कि इसे पहले पढ़ लिया करिएगा क्या पूछ रहा है, और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा कथन सही है पूछ रहा है,
जिस हिसाब से आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप लोग, सुविधाजनक लगे जिस हिसाब से कर लीजिएगा। तो इसमें से आप लोगों को सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन बताना है। बताइए सही कथन कौन सा है। तो इसमें आप देखेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है। खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्धियां उपलब्ध कराना, तीनों कथन आपके 35 में बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का आप देखेंगे मेगा फूड पार्क की अवधारणा अपनाई गई थी और इसमें आप देखेंगे प्रमुख उद्देश्य यही है इसके, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम संरचना उपलब्ध कराना, कच्चे खाद्य पदार्थों को अधिक मात्रा में प्रसंस्कृत करना, खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन, क्योंकि तीनों कथन आपकी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 36। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? कहने का मतलब यह है कि भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है, किसकी अनुमति अनिवार्य है एक तरह से। तो बताइए इसमें भी आप लोग बताइए। तो इसमें आप देखेंगे किसकी अनुमति अनिवार्य है, बताइए। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत की प्रधानमंत्री, संघीय वित्त मंत्री। इसमें आप देखेंगे भारत की संसद की, ठीक है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए आप देखेंगे संसद का पूर्व अनुमोदन होना आवश्यक होता है और संविधान का अनुच्छेद 114 देखते हैं ना आप लोग, 114, इसके तहत संसद में सरकार विनियोग विधि के माध्यम से ही धन निकालती है, पैसा निकालती है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 37। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। भारत की आकस्मिकता निधि में, लोक लेखे में, भारत की संचित निधि में, निक्षेप तथा अग्रिम निधि में, इनमें से किस में जमा होता है? तो इसमें आप देखेंगे आपका होता है भारत की संचित निधि में, भारत की संचित निधि में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सरकार की आय के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि राजस्व प्राप्तियां और गैर राजस्व प्राप्तियां भी होती हैं, जिन्हें आप लोग पूंजी प्राप्तियां भी कह देते हैं, और जिसमें राजस्व के अंतर्गत कर, गैर राजस्व के अंतर्गत आप देखते हैं शुल्क, फीस, अर्थ दंड आदि, और इन सभी को आप देखेंगे अनुच्छेद 266 के अंतर्गत भारत की संचित निधि में जमा कराया जाता है और जिस पर सरकार का व्यय भारित होता है। सरकार का जो भी सरकार के ऊपर व्यय मतलब खर्च करना होता है उसी की बात की जा रही है। तो इसमें आपका सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 38। क्या पूछ रहा है? सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान कराता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं वह हैं, कौन कौन सी हैं? ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, निधि अंतरण। निम्नलिखित कूट के आधार पर आपको सही उत्तर इसमें देना है। क्या करना है? सही उत्तर आपको चुनना है। बताइए कौन सा सही है इसमें, सही उत्तर क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी ऋण सुविधाएं भी हैं, बचत सुविधाएं भी हैं और बीमा सुविधाएं भी हैं, निधि अंतरण भी है, यानी कि इसमें चारों आपके शामिल किए जाते हैं। और सूक्ष्म वित्त का मतलब यही होता है कि निम्न आय वर्गों के लोगों में छोटी बचत, छोटी ऋण, कम इंस्टॉलमेंट की बीमा सुविधा या निधि अंतरण सुविधाओं को प्रोत्साहन से लगाया जाता है और इससे क्या होता है कि सूक्ष्म वित्त के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा भी मिलता है और जो गरीब लोग होते हैं, गरीब वर्ग होता है, वो स्वयं समूह द्वारा कार्य करने की प्रेरणा भी दी जाती है, जिससे क्या होता है कि एक निश्चित समय में गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। गरीबी आप देखते हैं कि हमारे देश में कितनी फैली हुई है। तो इसमें आप लोग चारों ऑप्शन सही है तो क्या लगाओगे? तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 39। ये क्या पूछ रहा है? भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्व एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है
और इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक इसकी व्याख्या सबसे अच्छी प्रत्ययकारी यानी कि सबसे बेहतर करता है। अब बताइए आप लोग कौन सा करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि यह द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटनास्थल था, यह एशिया की दो शक्तियों चीन और भारत के बीच स्थिति है, यह शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबले की रणभूमि थी, और यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और इसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्र वर्ती है। तो इसमें बिल्कुल आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भू युद्ध नीति की दृष्टि से आप देखेंगे महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्व एशिया प्राचीन काल से ही आज तक वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता रहा है। एक आप देखते हैं हमारे सामने हिंद महासागर हमसे लगा हुआ है, एक आप देखते हैं कि प्रशांत महासागर आपके देखने को मिलेगा चाइना से, आप लोगों ने सुना होगा जापान के पास से ये सब फैला हुआ है। और इसके लिए याद रखिए विश्व में अगर आप लोग भूगोल पढ़ते हैं तो उसका आप लोगों को क्या करना है कि मैप का सहारा लेके पूरा कवर कर लेना है। क्या होता है कि मैप का जब भी आप लोग सहारा लेके पढ़ते हैं तो भूलने की मतलब एक तरह से आपको रट जाता है, याद हो जाता है कि अच्छा यहाँ है। इस तरह से आप लोग अगर क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आजकल महासागर बड़े महत्व रखते हैं, इसलिए आप देखते हैं कि चाइना दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद खड़ा करता रहता है, अपना क्षेत्र बताता रहता है। संसाधनों की दृष्टि से भी आप देखेंगे समुद्र काफी महत्वपूर्ण है, और सामरिक दृष्टि से भी आप देखेंगे कई द्वीपों का गठन बना भी रहा है चाइना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है हमारे सामने 40। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट्स नहीं होती है, और उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय होता है, क्या मतलब होता है। कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकर तेलों से निर्मित नहीं किए जाते हैं, कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा एवं तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं, कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। इन तीन ऑप्शन में से आपको सही कथन चुनना है। क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है आपसे। 40 में आपका सही कथन पूछ रहा है, तो बताइए इसे। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं, कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, और कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें आपके तीनों बिल्कुल सही हैं, और आप देखते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो उससे मोटापा, हार्ट अटैक, डायबिटीज भी होता है, इसलिए आपसे कहते भी हैं कि ट्रांस फैट्स लेना कम कर दीजिए। जो धमनियां होती हैं, सिराएं होती हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें आप लोग लगा दीजिए कि तीनों यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 41 क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। मनरेगा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप देखते हैं इसके तहत रोजगार दिया जाता है। आप अगर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं तो आपने देखा भी होगा, इसका नाम काफी सुना होगा, तो वही है। तो इसमें पूछ रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ यानी कि लाभ प्राप्त करने का पात्र है कौन है। केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा से नीचे की बीपीएल परिवारों के वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदाय के परिवारों के वयस्क सदस्य, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। इन चार में से आपको सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो इसमें आप लोग बताएंगे क्या, और इससे आपके क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, कई बार आ चुका है। तो इसमें आप देखेंगे किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य यानी कि जिनका काम करने की उम्र है वो लोग इसके तहत रोजगार या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया हुआ था, और इसमें आप देखेंगे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को
सदस्य को जो गैर कुशल शारीरिक श्रम का इच्छुक होता है उसे एक वर्ष में कम से कम 100 दिन की रोजगार गारंटी की यानी कि रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई है। और आपको बता दूं कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 200 दिन भी कर दिया गया है, लेकिन मिनिमम कम से कम 100 दिन रखा गया है इसमें। और आपको याद होना चाहिए कि अगर आप लोग प्रार्थना पत्र देते हैं, आप अपने सरपंच या किसी से कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, और 15 दिन के अंदर अगर रोजगार आपको नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। और यह योजना आप देखते हैं कि सर्वप्रथम पहली बार 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदापली गांव से प्रारंभ हुई थी। इस नाम को भी याद रखिए, सबसे पहले योजना कहां लागू हुई थी, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदापली गांव से, ठीक है। और ये आप अभी आप देखेंगे वर्तमान में ये पूरे देश में लागू है। आपने देखा है कोरोना महामारी के समय भी आपने देखा होगा कितने जो लोग गांव की तरफ लौटे हैं शहरों से, उन्हें रोजगार भी काफी उपलब्ध कराया गया है इसके तहत, तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन है 42। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत पूर्व एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय न्यायिक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। इनमें से आपको सही कथन बताना है, क्या करना है, सही कथन आपको बताना है। तो एक तो आप देखेंगे इसमें सही कथन है कि भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है, बिल्कुल सही है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है, तो इसमें 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, 1-3 आपका कथन बिल्कुल सही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की पूर्व की ओर देखो नीति व्यापार के लिए एक नए विदेशी बाजार तलाशने के साथ ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सामाजिक हो, व्यापारिक हो, सांस्कृतिक हो, सुरक्षा हो, यह सब पर समझौते की बात करता है कि और भी हमारे रिश्ते मजबूत हों। और इसका प्रमुख उद्देश्य यही कि आर्थिक क्षमता में वृद्धि करना, आर्थिक स्थिति अपनी सुधारना, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखिए कि आज आप सोचें आत्मनिर्भर हैं तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि व्यापार के बिना कुछ नहीं है, व्यापार होता रहता है। वो एक समय था देखिए कि जब भारत आत्मनिर्भर की बात करता था, उस समय जरूरतें कम थी। आज तो आप फोन को देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक को देख लीजिए क्षेत्र को, फोन आप देखते हैं कि आपके यहाँ जो उपयोग किए जाते हैं उनमें से 4 फोन अगर उपयोग होते हैं तो उसमें से 3 विदेशी फोन होते हैं, यानी कि हम इतने भी आत्मनिर्भर नहीं है कि अपने लोगों को अपने किसी कंपनी, देसी कंपनी एक तरह से आप कह सकते हैं, इनके फोन उपलब्ध करा सकें बाजार में। चाइनीज फोन आप देखिए कितने आपके बाजारों में पटा पड़ा हुआ है बाजार। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, बताइए ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में बजट में संशोधन कर या दोबारा पेश किया जाता है, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है, बताइए क्या होगा ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है, क्योंकि आप देखिए उसके पास अगर बहुमत ही नहीं है तो क्या मतलब है फिर। संविधान में आप देखते हैं बजट का डायरेक्ट उल्लेख नहीं किया गया है, बजट नाम का कोई भी विवरण संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि अनुच्छेद 112 आपका वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, समझ रहे हैं, और आर्टिकल 202 ये राज्यों के लिए बजट की व्यवस्था की बात करता है। बजट की जगह आप देखेंगे शब्द आपको देखने को मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है, तो बिल्कुल नहीं किया गया है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। और संघीय बजट आप देखते हैं केंद्र सरकार लोकसभा के बदल पर प्रस्तुत करती है, और बजट के ना पास होने पर यह मान लिया जाता है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है,
और उसे मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं बजट आप देखेंगे वित्त मंत्री ही तो एक तरह से लाते हैं वहां, और आप सोचिए अगर उसका बजट पारित नहीं हो रहा है तो यानी कि आपके पास बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं है तो आपको सरकार में रहने का कोई मतलब भी नहीं है। आपको प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री और भी आपके मंत्री हैं वो किस लायक हैं अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो? इसमें आप डी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 44, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है। भाग चार का में आप देखते हैं कि आपको मौलिक के मूल कर्तव्यों की बात की गई है, भाग तीन में आप देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की बात की गई है, समझ रहे हैं, उसी की बात की जा रही है। तो इसमें भी आप लोगों को लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने एक बार भी अगर मौलिक कर्तव्यों को देखा होगा तो आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में मतदान करना ऐसा आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगर आप चाहें तो करें आए, लेकिन यही कहा जाता है कि आप लोग वोट करते रहिए, वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य अलग बात हो जाती है। 11 मूल कर्तव्य आप लोगों ने देखे हैं, लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है, ये भी याद रखिए। और एक बात और बता दूं आपको, मौलिक अधिकारों मूल कर्तव्य जो आपके मूल कर्तव्य हैं इनसे क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और विस्तार से पढ़ लीजिए अगर आप लोग सिविल सर्विस के लिए एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि उसमें बड़ा डिटेल से पूछा जाता है। तो 44 में आप लोग ए लगाएंगे, क्योंकि मूल कर्तव्य नहीं है पूछा है। अगर पूछता कि है तो आप देखेंगे बी था, सी था और डी था आपका मूल कर्तव्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 45, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है? क्या पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें सही कौन सा कथन है, वह अवसंरचना विकास हेतु विदेश से विदेशी पूंजी अंतर विभाग प्रोत्साहित करता है, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो इसमें बताइए आप लोग, तो इसमें आप देखेंगे कि आपके तीनों सही हैं, और आप सभी जानते हैं कि वित्त आयोग के गठन की बात की गई है संविधान में किस आर्टिकल में, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, यानी कि पैसे की लेन देन के बंटवारे की सीधी सी बात है कि वित्त आयोग संबंधित होता है किससे, जो पैसे का बंटवारा होता है इसी से। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा आदेश दिया जाता है, गठित किया जाता है, और इसका प्रमुख काम यही है कि देश के उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना और केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण की सलाह देना, ठीक है, यानी कि बांटना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन हमारे सामने 46, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, भोजन का अधिकार। मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन से अधिकार मानव अधिकार अधिकारों में आता है, बताइए कौन सा अधिकार मानव अधिकारों में आता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें शिक्षा का अधिकार भी आता है, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार भी आता है, भोजन का अधिकार भी आता है, यानी कि तीनों अधिकार आते हैं। और आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन द्वारा मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा की गई थी, और इसमें शिक्षा का अधिकार हो, समानता के सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार हो, या भोजन के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश में भोजन के अधिकार को कहीं कोई महत्व ज्यादा नहीं दिया गया है, शिक्षा के अधिकार को आप देखिए सरकारी स्कूल तो उपलब्ध करवा दिए गए हैं, लेकिन उनकी कैसी हालत है आप सभी लोग जानते हैं। और मुझे लगता है कि जब मौलिक अधिकार भले ही आपको दे दिए गए हो, जब उनका उपयोग नहीं हो पा रहा हो, लोग जागरूक ना हो, तो उन मौलिक अधिकारों का मतलब क्या रह जाता है। मौलिक अधिकार मिलने के बाद भी आप देखिए कई परिवार छूटे हुए, कई समुदाय छूटे हुए, उन्हें फायदा ही नहीं हो पा रहा, क्या छोड़िए इसका। तो इसमें क्या लगा कि 46 में इसमें लगाओगे आप लोग डी ऑप्शन, क्योंकि तीनों आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, क्या पूछ रहा है, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल पर स्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है, इस समृद्धि का के क्या कारण तत्व हो सकते हैं, ज्वारनद
मुख से कोशिकाओं का प्रसाव, मानसून में भूमि से जल वाहे, समुद्रों में उत्प्रवाह। निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। देख लीजिए एक बार, सही उत्तर चुन लीजिए, उसके बाद बताइए कौन सा सही उत्तर है आपका। अगर आपको आता हो तो जल्दी बताइएगा, नीचे आप लोग लिख भी सकते हैं। मुझे लगता है कि आता होगा क्योंकि आप लोग बड़े विस्तार से पढ़ते हैं आजकल। तो आप देखेंगे इसमें ज्वारनद से कोशिकाओं का प्रसाव, मानसून में भूमि से जल प्रवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह। इसमें आपके तीनों सही है बिल्कुल। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रपुष्टन होने का प्रमुख कारण तत्व के अंतर्गत ज्वारनद से पोषकों का प्रसाव, मानसूनी नदियों से समुद्री जल में वाह और समुद्रों में उत्प्रवाह है प्रमुख कारक तत्व के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आप डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2, 3 कथन बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 48। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित पर विचार करना हो, प्रकाश संश्लेषण, शोषण, जैव पदार्थों का अपचय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? आप लोग बताइए क्या जोड़ती हैं। एक बात और आपको बता दूं, आप लोग जब भी एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोग वो क्वेश्चंस पहले कर लिया करिएगा जिनके आंसर आपको आ रहे हो, और जिनमें ज्यादा दिमाग खपाने की बात हो उन्हें बाद में ही किया करिएगा, क्योंकि टाइम बेकार करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो मैं सामने सब कुछ मैंने रख लिया है इसलिए एक एक करके बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ आपके पास टाइम बहुत कम होता है, समझ रहे हैं? और यहाँ हम विस्तार से बात कर रहे हैं इसलिए टाइमिंग ज्यादा भी लग रही है। तो इसमें आप देखेंगे शोषण, जैव पदार्थों का अपचय, ज्वालामुखी क्रियाएं, यानी कि इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन। क्या? सी ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पेड़ पौधे, हरित शैवाल आदि ये वायुमंडल से कार्बन ग्रहण करते हैं, जल एवं मृदा पोषक तत्वों द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और इस क्रिया में आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का वायुमंडल से अपघटन होता है और ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है। जो ऑक्सीजन हम लोग उपयोग करते हैं ना, इसी की बात कर रहे हैं। जबकि श्वसन पदार्थों के अपचय और ज्वालामुखी क्रियाएं वायुमंडल के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। और आप सभी लोगों ने कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के महत्व को आप लोग समझ चुके होंगे, और इसलिए आप देखिए कि मारे मारे पर रहे थे ऑक्सीजन के लिए। तो कम से कम अपने लिए पेड़ तो लगाते रहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम पेड़ तो रहे, उन्हें ऑक्सीजन के लिए मारामारी तो ना करनी पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 49। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह और बेसिनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? एक बात और आपको यहाँ बता दूं, अमेरिका एक मतलबी दोस्त की तरह है। आपने देखा होगा कि एक समय था कि अमेरिका का झुकाव चाइना की तरफ हुआ करता था, पाकिस्तान की तरफ हुआ करता था, और रूस हमारे साथ हुआ करता था। रूस बड़ा विश्वास करने लायक मित्र है, लेकिन आपने देखा है कि किस तरह से अब झुकाव हमारी तरफ हो गया अमेरिका का। और अमेरिका का झुकाव होने का एक कारण और भी है, अगर चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो भारत की मदद उसे चाहिए, और उसी मदद का वो फायदा भी ले रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, आगे कुछ दिए गए पॉइंट इन्हें भी देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना, जबकि वेसनार व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसका समान लक्ष्य है। ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई अफ्रीकी उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि वेसनार व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। इनमें से सही कथन आपको चुनना है। क्या चुनना है? सही कथन चुनना है। तो आपको बता दूं इसमें ना तो आपका एक सही है और ना ही दो सही है। अब सही क्या होगा वो बता देता हूं। आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया समूह, इसकी स्थापना का लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को कम करना, जबकि वेसनार व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे अंतर्गत नहीं आता है, यह
बहुस्तरीय निर्यात नियंत्रण की व्यवस्था करता है। बेसनार व्यवस्था का उद्देश्य हथियारों एवं तकनीकी योद्धक के निर्यात को नियंत्रित करना है। और ऑस्ट्रेलिया समूह में आप देखेंगे एशियाई देश यूरोपीय यूनियन और अमेरिका और कनाडा आते हैं, और अफ्रीका देश इसके सदस्य नहीं है। किसके? बेसनार व्यवस्था के। किसके? ऑस्ट्रेलिया समूह में आप देखिए कि आपके एशियाई देश शामिल हैं, यूरोपीय यूनियन शामिल है, अमेरिका भी शामिल है और कनाडा भी शामिल है, लेकिन अफ्रीका अफ्रीकी देश नहीं है। अफ्रीकी देश कहने का मतलब है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो देश हैं। आपने देखा होगा दक्षिण अफ्रीका का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, महात्मा गांधी हमारे वहां कुछ समय के लिए रहे भी थे, तो ये भी आप लोग मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या पूछ रहा है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके जल में तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? बताइए यह किस कारण से होता है। तो आप सभी जानते हैं किस कारण से होता है, तो आप देखेंगे इसमें कारण क्या है इसका। बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, या फिर इनमें से चारों तीनों कथन सही नहीं है, कोई भी कथन सही नहीं है, बताइए। तो इसमें आप देखिए कि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि 50 में आप लोग क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन। अधिकांश द्रवों को आप देखें गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है और घनत्व में कमी देखने, लेकिन पानी की अगर हम बात करें तो इसका व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में आप देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के को लेकर गर्म किया जाए तो आप देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है और इसका उल्टा घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। बाकी रसायनों में अगर आप बात करें तो आप देखेंगे उसके आयतन में वृद्धि होती है, घनत्व में कमी होती है, लेकिन यहाँ उल्टा है। और इसमें आप देखेंगे अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है, और इसी कारण आप देखेंगे कि कारण ठंडी में जलीय जीव बर्फ के नीचे जिंदा रहते हैं। आप देखते हैं कि झील पूरी तरह से जम जाती है फिर भी जीव जिंदा बने रहते हैं, क्योंकि नीचे वो द्रव अवस्था में पानी रहता है, वो लोग नीचे पहुंच जाते हैं। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है आजकल बड़े, तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन बिल्कुल सही लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे से क्या पूछ रहा है। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है, उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है, और यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, बताइए कौन सा हो सकता है। तो ये कौन सा हो सकता है, तो इसमें आप देखेंगे भारतीय वन्य भैंस, भारतीय वन्य गधा, भारतीय वन्य सूकर, भारतीय गजेल यानी कि कुरंग। तो इसमें आप देखेंगे भारतीय वन्य भैंस, भैंस आप देखते हैं एक पालन आप लोग करते हैं, एक वन्य भैंस भी होती है, वनों की भैंस भी होती है, तो ये भी याद रखिए। तो इसमें आप लोग ए लगाएंगे। चलिए 52 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया हाल ही में आई बाढ़ लालीना के कारण आई थी, और लालीना एल नीनो से कैसे भिन्न है? ये लालीना और एल नीनो ये धाराएं हैं, ठीक है, जो गर्म ठंडी जलधाराओं के बारे में आप लोग पढ़ते हैं उसी की बात हो रही है। तो पहला इसमें कथन दिया गया, लालीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान में से चरित्रित होता है। और दूसरा कथन, एल नीनो का भारत की दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किंतु लालीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है आपसे, तो आप लोगों को सही कथन बताना है। अब आप बताइए कि सही कथन कौन सा है। तो आपको बता दूं कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, यानी कि ये दोनों कथन इनका कहना गलत है। अब बात आती है कि सही क्या है, तो उसे भी आप लोग सुन लीजिए। एल नीनो
की उत्पत्ति आप देखते हैं कि पेरू तट के पास पूर्वी प्रशांत महासागर से होती है, किसकी, एल नीनो धारा की, और यह समुद्र जल के तापमान में वृद्धि करता है। एल नीनो समुद्र जो जलधारा है ये समुद्री जल के तापमान में वृद्धि करता है, जबकि आप ला नीनो देखते हैं जो प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग से संबंधित है, और ला नीनो प्रशांत महासागर के जल वाष्पन में वृद्धि करता है। एल नीनो भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून को प्रभावित करता है, और यह घटना 6 या 7 वर्षों के अंतराल में देखने को आपको मिलती है सामान्यतः, और जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे बहुत अधिक वृष्टि तो कहीं सूखे की स्थिति को देखने को भी मिलती है। हमारे देश में भी आप देखते रहते हैं इस तरह की, तो इसे याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन, क्योंकि ना तो एक सही था ना ही दूसरा सही था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 53, 53 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई, निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। तो इसमें आपका रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को आर्थिक कारकुशल बनाना, या फिर डी उपयुक्त एबीसी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। बताइए 53, 53 में आप लोगों को बताना है क्या है। तो इसमें आप देखेंगे क्या दिया गया, इसमें आपके तीनों कथन बिल्कुल गलत हैं। क्या है, तीनों कथन बिल्कुल गलत हैं। अब सही क्या है, क्या है सही क्या है इसमें, तो आप सभी जानते हैं कि 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा स्थायी भू व्यवस्था प्रणाली लागू की गई थी। कौन सी, स्थायी भू व्यवस्था प्रणाली लागू की गई थी, जिसके द्वारा आप देखेंगे भूमि पर जमींदारों के अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया था, और जब तक कि वे ब्रिटिश कंपनी द्वारा निर्धारित लगान देते रहेंगे, लगान ना देने की स्थिति में आप देखेंगे भूमि कंपनी द्वारा ली जाएगी, और इसमें भूमि का वर्गीकरण ना होना विवाद का प्रमुख कारण बना हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन, 53 में, 53 में क्या लगाओगे, डी। क्वेश्चन है हमारे सामने 54, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है। तीन तो सत्य होंगी, एक आपकी असत्य होगी, तो असत्य आपको चुननी है। यह आंदोलन अहिंसक था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित था, और इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया गया था। इन चार में से आपको बताना है। तो यह आंदोलन अहिंसक था, यह बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी आप देखते हैं कि हिंसा और अहिंसक, अहिंसा प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपने देखा है हिंसक हुआ, हिंसा हुई थी। तो इसमें आप लोग सही नहीं है, अहिंसक नहीं था ये। ठीक है, ए ऑप्शन गलत है, लेकिन आप देखेंगे बी सी डी ये तीनों सही है। और आप जानते हैं कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे अगस्त 1942 में हुआ था, ठीक है, प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में। इसी आंदोलन में आप देखेंगे प्रेरित करने के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। आंदोलन के समय आपने देखा होगा कि कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण आगे चल के आप देखते हैं स्वतः परिवर्तित आंदोलन हो गया, सब एक तरह से इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बन गए, कहने का मतलब। और आंदोलन का श्रेय लेकिन आप देखते हैं गांधी जी को जाता है, लेकिन यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे जगह जगह पर स्टेशन, रेलवे स्टेशन, थाना, सरकारी कार्यालय, अंग्रेजों पर उग्र आंदोलनकारियों ने हमला भी किया था, तो हिंसा फैल गई, तो अहिंसक कहां से हुआ। ठीक है, तो इसमें टिप्पणी सत्य नहीं है, तो क्या लगाओगे, ए ऑप्शन। अगर सत्य पूछता तो ए बी सी डी था, तीन थे। क्वेश्चन है हमारे सामने 55, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया था। क्या पूछ रहा है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया था, उपलब्ध करवाया था। भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव,
जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बड़ा बढ़ना। और डी कह रहा है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विधारण। कौन इसमें शामिल था? तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें मुख्य कारण था जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों, लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, और इसीलिए इन्होंने आंदोलन भी किया हुआ था। 19वीं शताब्दी में आप देखेंगे ब्रिटिश कंपनी की शोषणकारी नीति और जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश होता है, और जिससे आप देखेंगे जनजातीय विद्रोह का प्रमुख कारण बनता है। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं कि बिचौलियों, महाजनों, व्यापारियों, लगान की वसूली करने का हो, बाली ठेकेदारों ने भी जनजातीय लोगों का शोषण किया, जिसमें आप देखेंगे कोल विद्रोह, भील विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सभी आदि विद्रोह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे, आपका क्या कह रहा है 56 क्वेश्चन नंबर। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क को व्यवहारिक व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी की इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्यवस्था व्याख्याओं को व्याख्याएं हो सकती हैं? इसमें पहला कथन आपका कह रहा है प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम स्रोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, और इस संबंध में ए बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या है। तो बताइए इन चार में से कौन आप लगाएंगे? 56 में आप लोग कौन सा लगाएंगे? 56 में आप लोग कौन सा लगाएंगे बताओ? 56 में, तो इसमें आप देखेंगे इसमें आपका प्राचीन काल और मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पर्वत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी, बिल्कुल सही है। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। ये दोनों सही है, ए भी आपका सही है और बी भी आपका सही है, यानी कि आपका डी सही होगा। क्यों डी सही होगा? इस संबंध में ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। प्राचीन काल में आप सभी जानते हैं कि भारत धर्म, संस्कृति, व्यापार को विशेष महत्व देता था, और यही कारण है कि भारत में प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध भी बना रहा। हम लोग बहुत अमीर थे एक तरह से आप कह सकते हैं। प्राचीन काल में भारत के पास नौकायन, पोत निर्माण की अच्छी तकनीक भी थी, यानी कि आप देखते हैं ना ये जल में जो चलते हैं नाव वगैरह, पोत, इन्हीं की बात कर रहे हैं, नौकायन। और इसमें आप देखेंगे जिससे भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, और इसके साथ ही यह भी था कि दक्षिण भारतीय राजाओं ने आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान का विशेष महत्व प्रदान भी किया था। तो हम लोग जल के माध्यम से भी व्यापार कर सकते थे, इसी की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे सामने 57, ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच अंतर क्या है? ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच आपको अंतर बताना है, बताइए अंतर क्या है। ब्लूटूथ 2 से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्राप्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर पट प्रयोग करता है। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्र जाल प्रयोग करता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल प्रयोग करता है। और जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे दो उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है, तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक है, किंतु जब वाईफाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती है तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक नहीं है। इस संदर्भ में ए बी दोनों कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है आपका? तो इसमें आप देखेंगे सी कथन बिल्कुल सही है। ब्लूटूथ आप जानते हैं कि संचार के क्षेत्र में एक मानव तकनीक है, जिसका उद्देश्य हमारे कंप्यूटरों को तार के जाल से मुक्ति दिलाना है। ब्लूटूथ आप देखते हैं कहाँ आपके फोन में उसका कनेक्शन रहता है, डायरेक्ट केबल के द्वारा थोड़ी जुड़ी रहती है। और इस प्रकार की तकनीक के प्रयोगकर्ता बिना कोई तार लगाए ही कंप्यूटर अथवा दूरसंचार उपकरणों तक अपनी पहुंच बना लेते हैं, और इसकी खोज ब्लूटूथ की खोज हेराल्ड ब्लूटूथ ने की थी, और इसीलिए इसका नाम ब्लूटूथ रख दिया गया, और इन्हीं का नाम इसका नाम पड़ा है
और वाईफाई तकनीक एक निश्चित एरिया होता है, वह पूर्व उद्देशित प्रेरित होकर लगाया जाता है, जैसे दूर क्षेत्र और पास के कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जबकि ब्लूटूथ में आप देखेंगे इसका सीरीज में होना आवश्यक होता है। आप देखते हैं वाईफाई को भी आप लोग जानते हैं, ब्लूटूथ को भी आप जानते हैं, तो सोचिए आप लोग कि यही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बन गया। तो इसी तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुआ, तो इसमें सी आप लोग ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 58। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, या वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। सही उत्तर आपको चुनना है, इनपुटों का उपयोग करके सही उत्तर आपको क्या करना है, चुनना है। अब सही उत्तर किस तरह से चुनेंगे आप लोग बताइए। तो इसमें आप देखेंगे 58 में कौन सा कथन सही होगा, तो इसमें आप देखेंगे मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जाती है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, और इससे कुछ क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। 1 और 3 बिल्कुल सही है, बाकी दूसरा आपका गलत है। सूक्ष्म सिंचाई का मतलब यही होता है कि जो ट्रिपलिंग सिंचाई पद्धति होती है, आप लोगों ने अगर किसान है तो आप लोगों ने देखे होंगे फब्बारे की तरह पानी की ज्यादा खपत ना हो इसके लिए लगाए जाते हैं, और वर्तमान में काफी इसका प्रयोग भी बढ़ा हुआ है। तो आप किसान हैं तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चंस, तो आप लोग ही सॉल्व कर लेंगे ये, तो आप लोग काफी अच्छे किसानी से जुड़े हुए हैं, तो 2-4 क्वेश्चंस तो आप लोग बिना पढ़े लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग सी लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? लंदन में ईस्ट इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। इसके कोटों के आधार पर आपको सही कथन चुनना है, बताइए सही कथन कौन सा होगा, सही कथन कौन सा होगा। तो इसमें आपके तीनों कथन सही होंगे, पता है तीनों कथन बिल्कुल सही होंगे। उपनिवेशी शासन काल में आप देखेंगे होम चार्जेज भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था, और इसमें आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार भारत में भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा देश में किए जाने वाले सभी व्यय जैसे रेलवे नेटवर्क शासन प्रशासन से संबंधित जो भी व्यय होता था वो भारित था इस पर। तो 59 में आपका क्या होगा, डी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा 59 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 60। एक क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है आपसे कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। आप देखते हैं कि खेड़ा का जो किसान आंदोलन हुआ था, इससे पहले आपने देखा होगा गांधी जी ने चंपारण का आंदोलन किया था, और असल में गांधी जी को भारत में प्रसिद्धि मिलती है चंपारण आंदोलन के बाद ही, 1917 के आसपास, 1917 में आपका चंपारण आंदोलन हुआ। और आप देखेंगे ऐसा कहा जाता है कि चंपारण को गांधी जी की जरूरत थी और गांधी जी को इस तरह के किसी आंदोलन की जरूरत थी, देश भर के चक्कर लगा रहे थे गांधी जी। तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, और प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाएगा। इनमें से सही कथन कौन सा है, 60 में इनमें कौन सा कथन सही है? तो आप सभी जानते हैं जो खेड़ा का किसान आंदोलन हुआ था उसका कारण यही था कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही रोकी नहीं थी। आप सोचिए कि अकाल पड़ा हुआ था, किसानों के पास देने के लिए कुछ था भी नहीं, फिर भी उगाया जा रहा था, राजस्व उनसे उगाया जा रहा था, और इसीलिए आप देखेंगे किसानों ने आंदोलन खड़ा किया था। ये आप देखेंगे 1918 की घटना है, 1918 में गुजरात के खेड़ा गांव के किसानों द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था,
और अकाल पड़ने के कारण किसान राजस्व अदा करने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी सरकार किसानों से जबरन लगान की वसूली कर रही थी। और इसी को लेकर आपने देखा कि किसानों ने यह आंदोलन किया था और यह आंदोलन सफल भी हुआ था। क्या हुआ था? सफल भी हुआ था। तो इसमें केवल आपका एक ही कथन सही है। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग? केवल ए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है? 61 क्वेश्चन है, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व पर का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, सस्य परागण। निम्नलिखित कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर आपको चुनना है। अब आप लोग बताइए इसमें क्या लगाओगे, इसमें क्या लगाएंगे? तो इसमें आप देखेंगे कि आपका मृदा निर्माण बिल्कुल सही है, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण, यानी कि चारों इसमें सही है। जीव विविधता ना सिर्फ पर्यावरण के लिए मतलब लेकिन लेकिन मानव अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसमें आप देखेंगे मृदा निर्माण हो, मृदा अपरदन की रोकथाम हो, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण की बात हो, सस्य परागण की बात हो, ये सभी इसमें सहायक होते हैं। तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि चारों सही हैं। क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला है क्वेश्चन हमारे सामने 62। बाजार में बिकने वाले एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है और यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है और उसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? पहला ये क्या कह रहा है? एस्पार्टेम सामान्यतः चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। जब एस्पार्टेम आहार प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है तब उसका मीठा स्वाद तो बना रहता है किंतु यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी हो जाता है। एस्पार्टेम चीनी जितना ही मीठा होता है किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद यह कुछ ऐसे उपचयों जो मेटाबोलाइट्स में परिवर्तित होता है जो कोई कैलोरी नहीं देता है। डी कह रहा है कि एस्पार्टेम सामान्यतः चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अर्थात थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। बताइए इन चार में से कौन सा आपको सही लग रहा है? 62 में। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा सही लग रहा है आपको, तो इसमें आप देखेंगे आपको डी सही लग रहा है। एस्पार्टेम सामान्यतः चीनी से कई गुना अधिक होता है मीठा और ये अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि एस्पार्टेम ये सामान्यतः चीनी की अपेक्षा बहुत कम कैलोरी के साथ 200 गुना चीनी से अधिक मीठा होता है। जो आप चीनी देखते हैं ना, शक्कर जिसे आप लोग कहते हैं देसी भाषा में, इससे 200 गुना अधिक मीठा होता है। इसमें सुक्रोज की बहुत अधिक मात्रा नगण्य कैलोरी के साथ होती है और थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। तो ये भी देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है हमारे सामने 63। सन 1893 में सर विलियम बेडरबन और डब्ल्यू एस कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? सन 1893 में सर विलियम बेडरबन और डब्ल्यू एस कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? बताइए। इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक सही आपका एक उद्देश्य होगा। इसमें कौन सा उद्देश्य था? तो इसमें आप देखेंगे पहला कह रहा है कि भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए और ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। कौन सा सही है इसमें? तो इसमें आप देखेंगे आपका ए बिल्कुल सही है, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन राजनीतिक सुधारों हेतु किया गया था। कब?
1893 में सर विलियम बिडरमन द्वारा और इसमें डब्ल्यू एस कैने दो लोग थे, और इसका उद्देश्य आप देखेंगे कि ब्रिटिश संसद में राजनीतिक सुधारों के लिए बहुमत प्राप्त करना एक तरह से उद्देश्य था इसका। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी एफ एल और एलईडी लैंप में क्या अंतर है? ये तो आप लोग घरों में देखते हैं ना। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सी एफ एल पारावाष्प को संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। सी एफ एल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है। एलईडी लैंप की तुलना में सी एफ एल कम ऊर्जा सक्षम है। इनमें से सही कथन आपको चुनना है, सही कथन बताना है। बताइए सही कौन सा हो सकता है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे आपका तीनों सही है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। और सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है, और एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम भी है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। वैसे आपको बता दूं तो एलईडी का औसत जीवन 50,000 कितना 50,000 घंटे होता है। किसका? एलईडी का। जबकि जो आप लोग सीएफएल देखते थे बल्ब, उसका जीवन काल होता था 8,000 घंटे। इसीलिए आप देखते हैं आप अपने घरों में क्या एलईडी लगाते हैं, और आप देखते हैं कि एलईडी बहुत लंबे समय तक चलती भी है सीएफएल से। और एलईडी एक प्रकार का डायोड बल्ब होता है, जबकि सीएफएल में देखेंगे तो बल्ब बनाने में पारे का प्रयोग किया जाता है। और सामान्यतः बल्ब की तुलना में सीएफएल बल्ब कम ऊर्जा की खपत करता है, लेकिन डायोड बल्ब यानी कि एलईडी सीएफएल की तुलना में कम विद्युत की खपत करता है और अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी जो करेंट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, मोदी प्रशासन कहना चाहिए वैसे ही, भारत सरकार होती है, तो ये एलईडी के उपयोग पर बढ़ावा दे रही थी कि सभी घरों में एलईडी होना चाहिए। तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। तीनों सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 65। हाल में वाइल जयपुर समाचारों में था, यह क्या होता है? यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। यह समुद्र के भीतर तेल अन्वेषण हेतु विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। यह अनुवांशिकी इंजीनियरिंग से निर्मित उच्च मात्रा में जैव ईंधन प्रदान करने वाली मक्का की किस्म है। यह तेल के कुओं में आकस्मिक उपजी लपटों को नियंत्रित करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। बताइए क्या है, क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि यह तेलीय पंख और बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वाइल जयपुर की बात करें तो अक्टूबर 2010 में उस समय चर्चा में आया था जब आपने देखा होगा कि मुंबई के तट पर दो मालवाहक पोत चित्त और खलीज के टक्कर से आपने देखा होगा कि समुद्री नजदीक के समुद्री तट पर तेल रिसाव हो गया था, तेल फैल गया था, और इसी तेल प्रदूषण को रोकने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो आपसे कहा ना कि इस तरह के कोई शब्द अगर चर्चा में रहते हैं तो उनसे किससे संबंधित है जरूर याद रखा करिएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 66। क्या पूछ रहा है 66? 66 कह रहा है हमसे कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया है और इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग एबी पॉजिटिव है और दूसरे का है ओ नेगेटिव। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? आप लोगों को बताना है। बताइए कौन सा होगा। यहां आपको ऑप्शन भी दिए गए, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, या उपलब्ध जानकारी के आधार पर कहा नहीं जा सकता है। बताइए इसमें क्या लगाओगे? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ओ पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रक्त समूह जिसे कहते हैं। इसका वर्गीकरण आपको बता दूं कि कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। और यदि आप देखेंगे विवाहित दंपत्ति में से पति का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव हो और पत्नी का रक्त समूह ओ नेगेटिव हो,
तो जुड़वा बच्चों में आप देखेंगे कि ए बी प्लस या फिर ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ए प्लस बी प्लस या फिर ए बी पॉजिटिव, और इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र का समूह होगा क्या, ओ पॉजिटिव। इसकी एक विधि है, आप लोग उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कभी आप लोग टाइम मिलेगा तो। वैसे साइंस में हम लोगों ने बात की हुई थी, लेकिन फिर भी कभी एनसीईआरटी में विस्तार से बात की हुई है, फिर भी कभी बता देंगे। चलिए तो इसमें आप लोग ओ पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 67, क्या कह रहा है 67? महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं ऑन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था, क्या था इसका, बताइए, कुछ मालूम हो आपको तो। इसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन कह रहा है कि सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित और निर्धनों का उत्थान करे, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य और अत्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है, और डी ऑप्शन कह रहा है इसमें इस संदर्भ में सभी उपयुक्त एबीसी कथन सही है, क्या ऑप्शन सही है 67 में? तो इसमें आपका सही है बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। लेकिन ये आप देखिए अभी वर्तमान में आपको इससे हटके लगेगा कुछ। ऑन टू दिस लास्ट जॉन रस्किन की पुस्तक है, किसकी, जॉन रस्किन की, और महात्मा गांधी ने इसके संबंध में कहा था कि इसमें उनके जीवन को बदल दिया इस पुस्तक ने, और इस पुस्तक के सूक्त वाक्य व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, और इससे काफी गांधी जी प्रभावित भी थे, इसलिए आप देखते हैं कि सबको सबके लिए लड़ते रहते थे, कोई भी समुदाय हो, कोई भी जाति हो, समूह हो, आज इसके उलट गया है पूरा खेल, ठीक है। खैर हम लोग क्या बोल सकते हैं, चलिए 68 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति, किस कारण ख्याति उनकी थी, तो वो इसमें आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु। ये तो आपको मालूम होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपने देखा होगा गुप्त कांग्रेस रेडियो से प्रसारण करती थी, एक कांग्रेस रेडियो प्रसारण समूह की एक सदस्य भी थी ऊषा मेहता, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 69, क्या पूछ रहा है 69 क्वेश्चन नंबर। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क बीडी के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है, या परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है। इसमें आप देखें डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि बीडी उच्च परिभाषा वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक होती है। बीडी की मोटाई 2.4 mm है, जबकि आप देखेंगे डीवीडी की मोटाई 1.2 mm है। बताइए इसमें सही कथन आपको चुनना है, सही कथन पूछ रहा है आपसे। नीचे की लाइन को जरूर पढ़ लिया करिएगा, बहुत जरूरी भी होती है आपके लिए, इस आते हुए भी कई बार क्वेश्चन इसकी वजह से गलत कर बैठते हैं। तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल, एक कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, लेकिन देखेंगे तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। परंपरागत डीवीडी तथा ब्लू रे डिस्क यानी कि वीडियो बीडी दोनों की मोटाई आपको देखने को मिलेगी 1.2 मिलीमीटर यानी कि एमएम मिलीमीटर है, और डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि बीडी उच्च परिभाषा वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। डीवीडी की संग्रहण क्षमता की बात करें तो 4.7 GB होती है, जबकि अगली पीढ़ी की बीडी की क्षमता की बात करें तो 25 से 50 GB होती है। ये तो आप लोग लैपटॉप वैपटॉप चलाते होंगे, इनसे जुड़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक से, तो काफी आप लोगों को मालूम भी होगा। तो इसमें एक कथन सही है, दो कथन सही है, क्योंकि तीसरा आपका गलत है, क्योंकि दोनों की आप देखेंगे मोटाई आपकी 1.2 मिलीमीटर होती है, ठीक है, इसमें अलग अलग दिया गया था।
तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन, एक और दो बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? क्या पूछ रहा है आपसे, किस किस की अनुशंसा की गई थी? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, और माफ करिए कहां ये उल्टा ये है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। निम्नलिखित कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे इसका उद्देश्य अनुशंसा किसकी किसकी की गई थी, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। और आप सभी जानते हैं इसमें यानी कि 2 और 3 कथन सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल में आपने देखा होगा नेहरू रिपोर्ट 1928 में कांग्रेस अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इसमें आप देखेंगे निम्नलिखित एक तरह से अनुशंसाएं की गई थी, जिसमें आप देखेंगे भारत के लिए पूर्ण नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए मांग की गई थी, और अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने की बात की गई थी, और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान की बात की गई थी। ये आप समझ रहे हैं 1928 की बात है, तो ये भी आप लोग 3 याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं जहां आप 3 नंबर और 6 नंबर में क्वेश्चन आपके आते हैं ना स्टेट पीसीएस में, वहां इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे। चलिए 71वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। 71वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में किसी में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषय स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से आपको बताना है किसमें हो सकती है, बताइए कहां हो सकती है। तो आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश समझ रहे हैं, चाइना से लगा हुआ है पूर्व भारत में, पूर्वी भारत में। आर्किड के लिए सर्वोत्तम, यहां सर्वोत्तम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें बी होगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु 100 स्थान पद्धति नहीं है? क्या पूछ रहा है, पद्धति नहीं है पूछ रहा है, बताइए। इनसीटू पद्धति नहीं है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण, इसमें से नहीं है, 3 तो होंगे और 1 नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा वही चुनना है आपको। इसीलिए कह रहा हूं इस लाइन को बड़ी अच्छी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि देखा है मैंने कि आते हुए क्वेश्चंस कई बार गलत कर बैठते हैं इस लाइन की वजह से। तो इसमें आप देखेंगे वनस्पति को उद्यान नहीं है इसमें, और बाकी 3 आपके हैं तो, लेकिन नहीं है पूछा तो इसमें बी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। सरकार ने आप देखेंगे जीव विविधता को बढ़ावा देने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव प्राणी आरक्षण को संरक्षण और वित्त प्रदान करती है, जबकि वनस्पति उद्यान इससे अलग ही देखने को मिलेगा। चलते हैं 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कैसे विचार करोगे, भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकसित योजना प्रारूप तैयार करती है, उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही कथन चुनना है आपको, बताइए 3 में से कौन कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही हैं पूछ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, 1 और 2 सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये नगरीय स्वशासन को प्रोत्साहन करने के लिए नगर निकाय का उपबंध करता है, और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि आर्टिकल 243 के अंतर्गत महानगर योजना समिति का प्रस्ताव है, और इसका गठन नगरों के विकास के लिए योजना का प्रारूप तैयार करना
और सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजना, यही इसका काम है। छत्रज्ञा, ठीक है, इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं आप लोग भी बताइए। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 हो गया, 74 की तरफ चलते हैं। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है बताइए, क्या अंतर लगता है आपको? स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है बताइए, कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही है। क्या है? बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात आप देखते हैं एक महीने या इससे अधिक समय तक संसद में बजट पर चर्चा होती है और ऐसे में सरकार चलेगी तो खर्च भी होगा। उस खर्च को चलाने के लिए संसद की फर्ज पर लेखानुदान विधेयक लाती है और यह कार्यवाहक सरकार या फिर स्थायी सरकार लाती है और यह संचित निधि से केवल व्यय के पक्ष के लिए होता है जबकि अंतरिम बजट में आप देखेंगे आय और व्यय दोनों का विश्लेषण किया जाता है। यदि किसी कारणवश पूरक बजट नहीं लाया जा सके तो उस स्थिति में आप देखते हैं अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है और अंतरिम बजट आप देखते हैं कि स्थायी और कार्यवाहक दोनों सरकारों द्वारा लाया जा सकता है। ये आप लोग ध्यान रखिए। आप देखते थे कि आपने देखा होगा कि 2019 में जब चुनाव होना था तो उस समय आपने देखा होगा अंतरिम बजट आया था क्योंकि जो नई सरकार अगर बनेगी तो वो भी तो बजट लाएगी अपने हिसाब से। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरह के पॉइंट भी पूछ लेता है। तो इसमें केवल आपका दो कथन सही है यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक बात बता दूं, आपके जितने भी संगठन हैं, फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो या राष्ट्रीय संगठन हो, उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। उनसे क्वेश्चंस हर बार आपकी परीक्षा में 2-3-4 क्वेश्चंस आते रहते हैं और सभी संगठनों को हम लोगों ने कवर भी किया हुआ है। महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहां जाकर आप लोग देखते रहिए। काफी विस्तार से बात किया हुआ है सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए। तो इसे बताइए 75 में क्या लगाएंगे आप लोग? यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है। इनमें सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। तो आप सभी जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की बात करें तो 1945 में हुई थी बेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये अपने सदस्यों को, देखिए, देशों को भुगतान संतुलन ठीक करने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 76। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान यानी कि मैंगोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा वाड़ी का कार्य कर सकते हैं। गरान यानी कि मैंगोव आप लोगों ने बंस भी सुने होंगे, सुरक्षा वाड़ी के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? इसमें आप देखें, गरान अनुरूप होने से, क्या होने से? अनुरूप, गरान अनुरूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग ना तो रहते हैं ना है जाते हैं। गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदाओं के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। गरान के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। गरान के वृक्ष अपने सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या लगाएंगे आप लोग? तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो मैंगो बन होते हैं गरान के वृक्ष होते हैं, ये अपने सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं और मैंगो बन समुद्री तटीय आपदाओं में विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा का कार्य करते हैं क्योंकि ये समुद्री तटीय क्षेत्रों में उगने वाले वृक्ष होते हैं जिनकी जड़ें अत्यंत सघन और मजबूत होती हैं जो समुद्री तूफान और ज्वार भाटे से तटीय बस्ती को सुरक्षा प्रदान करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इनके दोनों नाम आप लोग याद रखिए,
कभी कभी आप लोग नामों को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। चलते हैं हम लोग 77 क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण बताइए। जैन धर्म तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इतिहास पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं ना जैन धर्म, तो इसमें क्या होगा? जैन धर्म सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। किससे हुआ है? तो इसमें आप देखेंगे सार्वभौमिक विधान से हुआ है। प्राचीन काल में आपने दो धर्मों के बारे में जरूर पढ़ा होगा, एक तो बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म। इन दोनों धर्म में आप देखते हैं अपने अपने दर्शन और मान्यताएं भी इन दोनों की, जिसमें जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना सजीव और निर्जीव दो स्वतंत्र तत्वों से मिलकर हुई है, और प्रत्येक सजीव में आप देखेंगे व्यक्तिगत आत्मा की सत्ता होती है, और इसमें देखें आप लोग कि ना कि सार्वभौमिक आत्मा की। और सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से होता है। कौन कहता है? जैन दर्शन यही कहता है आपका, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 78। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है मृदा का लवणीकरण भवन, मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है, सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है, यह कुछ मृदाओं को अपरागम बना देता है, यह भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है, यह मृदा के वायु आकाशों को जल से भर देता है। बताइए इसमें कौन सा लगाएंगे, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल सही होगा, यह कुछ मृदाओं को अपरागम बना देता है। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है, और सिंचित भूमि पर लवणी भवन कुछ मृदाओं को अपरागम बना देता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा 78 में। चलिए 79 क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा विकसित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की गई हैं। कौन कौन सी जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची। दूसरा इसमें आप देखेंगे संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। तीसरा कथन इसमें विभिन्न देशों में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। इन तीन कूटों का उपयोग करके इन तीन कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन देखना है। बताइए सही कथन क्या हो सकता है इसमें? रेड डाटा बुक्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, IUCN के बारे में भी पढ़ा होगा विस्तार से। तो इसमें आप देखेंगे इसमें केवल आपका दूसरा सही है, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची, ठीक है। प्राकृतिक एवं प्रकृति संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में संकटग्रस्त वनस्पतियों पौधों और पशु जातियों की सूची सम्मिलित की जाती है इसमें, समझ रहे हैं? तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? केवल दो सही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। बड़े जल्दी 81 पर पहुंच रहे हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण, जिसे आप लोग ट्रीजर लोन भी कहते हैं, क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है? लोक लुभावन ऋण यानी कि ट्रीजर लोन अधो मुख ऋण यानी कि सब प्राइम लेंडिंग का ही एक रूप समझे जाते हैं, और बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो। दूसरा कथन कह रहा है कि देश में लोक लुभावन ऋण यानी कि टीजर लोन मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी व निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? 80 में आपको बताना है कि सही कथन कौन से हैं। और याद रखिए इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों को याद रखा करिएगा शब्दों को। कभी कभी आप देखते हैं कि इंग्लिश में ये शब्द आ जाते हैं ट्रीजर लोन, या कभी आप देखते हैं कि हिंदी में लिख देते हैं लोक लुभावन ऋण और फिर समझ में नहीं आता है आपको, तो आप लोग दोनों को याद रखा करिएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें आप देखेंगे लोक लुभावन ऋण ट्रीजर लोन अधोमुख ऋण सब प्राइम लेंडिंग का ही एक रूप समझे जाते हैं, और बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो, यानी कि एक ऑप्शन
आपका एक कथन बिल्कुल सही है, दूसरा आपका गलत है। आप देखेंगे कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण को ही आप लोग ट्रीजर लोन कहते हैं, और यह ऋण समाज के निम्न और मध्यम वर्ग को अल्प या फिर मध्य अवधि के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। ऐसे ऋण के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर बहुत कम होती है, निम्न होती है, और ऐसे ऋणों को आप देखते हैं चुकता करने का खतरा बना रहता है। ऐसे में बैंक पूंजी के लिए जोखिम होता है, क्योंकि इस प्रकार के ऋण के लिए बंद पथ नहीं किए जाते हैं। तो इसमें आप लोग केवल एक ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। सही कथन पूछा था ना, चलिए तो इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 81। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा किंतिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है बताइए। उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इन चार में से आपको एक चुनना है, कौन सा चुनेंगे आप लोग? तो याद रखिए, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आप देखते हैं ना, किंतिम उपग्रह भेजे जाते रहते हैं। किंतिम उपग्रह आप देखेंगे पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधा होता है। किसके? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। और इसमें आप देखेंगे इस पर दो प्रकार का बल काम करता है, जिसके कारण यह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिर सकता। पृथ्वी बल, जिसमें आप देखेंगे अभिकेंद्रीय है, जो परिक्रमा करते समय उपग्रह को पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है, और दूसरा होता है आपका अपकेंद्रीय बल, जो उपग्रह को बाहर की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण बल के साथ मिलकर अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल दोनों किंतिम उपग्रह को त्वरण प्रदान करते हैं, यानी कि बीच में बनाए रखते हैं, अपनी स्थिति पर घूमता रहता है, ना तो ये नीचे गिर सकता है ना ही ऊपर जाने देते हैं, एक स्थायी कक्षा में घूमता रहता है। तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। चलते हैं हम लोग 82 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और इसमें भी आप देखेंगे सही कथन पूछ रहा है। दोनों में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है? सही कथन कह रहा है, ये सही बताइए कथन, बताइए सही कथन। पहला कथन तो कह रहा है विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी हुई है। देखिए, वो एक तरह से करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। उस समय आप देखिए 2011 में जब क्वेश्चन पेपर हुआ था, उस समय की बात कर रहा है। तो इसमें आप लोग बताइए क्या लगाएंगे, सही कथन। तो इसमें ना तो एक सही कथन है, ना ही आपका दूसरा कथन सही है, यानी कि दोनों आपके गलत हैं। दोनों इसमें आपके बिल्कुल गलत हैं। फिर सही क्या होगा? तो बात देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि की दर में विगत, यानी कि उस समय की बात कर रहा हूं, 5 वर्षों में उतार चढ़ाव देखा गया था, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर आपने देखी होगी 2006 से 2007 के बीच थी, और सर्वाधिक कमी आपने देखी होगी 2008 से लेकर 2009 में रही थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि दर आप देखेंगे 2007-08 में थी 8.1%, और सर्वाधिक कमी आप देखेंगे 2008-09 में थी 14.8% देखी गई थी। तो ये करंट से एक तरह से जुड़ा हुआ था, उस समय की बात कर रहा था। फिलहाल आप लोग समझ लीजिए, तो इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल गलत थे, यानी कि डी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 83। भारत में निम्नलिखित में से किस की कृषि और सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? किसकी हिस्सेदारी है? वाणिज्यिक बैंकों की, सहकारी बैंकों की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, या फिर सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की? तो ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, वाणिज्यिक बैंकों की। भारत में कृषि को सर्वाधिक साख प्रदान करने के क्रम में आप देखेंगे वाणिज्यिक बैंकों को प्रथम स्थान पर रखा गया है। इसके पश्चात आप देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक का, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 84। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य
सहायक साबित हो सकते हैं। स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहन देना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, इन कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। बताइए सही उत्तर कौन सा चुनेंगे आप? तो इसमें आप देखेंगे तीनों आपके बिल्कुल सही है, एक भी सही है, दो भी सही है और तीसरा भी सही है। समावेशी विकास की अगर बात करें हम लोग, समावेशी विकास की वृद्धि अवधारणा को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में सर्वप्रथम सम्मिलित किया गया था। आपको बता दो ये 2011 की बात कर रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग आ चुका है, और आपने देखा होगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपकी सब कुछ बंद हो चुका है। अब इस तरह की कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जाती है, लेकिन उस समय की बात है। तो आप देखिए अभी भी आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, योजना से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और समावेशी विकास से मतलब ही यही होता है कि आर्थिक वृद्धि के उस पहलू से लगाया जाता है जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग समान रूप से लाभान्वित हो, और इतना ही नहीं समाज में रहने वाले गरीब हो, निर्धन वर्ग हो, ये विशेष रूप से लाभान्वित हो। और इसके अंतर्गत स्व सहायता समूह को प्रोत्साहन देना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना और शिक्षा अधिनियम को लागू करना, तो इसमें आपके तीनों बिल्कुल सही होंगे। समावेशी विकास का मतलब सीधा सा है, एक तरह से आप सबका विकास लगा लीजिए, तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्वेश्चन हमारे सामने 85। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है। सरकार अब CPSE के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती है। इन कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। आपने अभी भी देखा होगा कि विनिवेश बड़ी मात्रा में हुआ है, यानी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को दूसरे किसी प्राइवेट हाथ में बेच देती है। आप सोचिए कि आपकी जो जीवन बीमा कंपनी हुआ करती थी उसमें भी आपने देखा कि विनिवेश किया गया, यानी कि सरकार ने अपनी कुछ हिस्सेदारी किसी और को बेच दी है। कहने का सीधा सा मतलब यही है, तो इसमें आप लोगों को बताना है। तो इसमें आप देखेंगे दोनों आपके गलत हैं, बिल्कुल क्या है, दोनों गलत हैं। तो सही क्या होगा? सन 1991 आप लोगों को याद होगा, आर्थिक संकट के बाद से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ की थी। 1991 के समय की बात करें, घाटे में चल रहे उद्यमों को पुनर्जीवन प्रदान करना, इसका उद्देश्य विनिवेश का उद्देश्य यही होता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके और उद्यमों में सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% घाटे तक सीमित रखना, यानी कि अपनी 100 में से आप देखें 51% अपने पास रखना, बाकी किसी को बेच देना। पूंजी की अतिरिक्त प्राप्ति जिसे सामाजिक क्षेत्र में निवेश किया जा सके, यानी कि इससे जो पैसा मिले उसका निवेश दूसरी जगह किया जा सके, इसे आप लोग सामान्यतः प्राइवेटाइजेशन भी कह रहे हैं आजकल। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम उसे स्थिति लायक हैं। एक तरह से आप इसे इस तरह देख सकते हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का मुझे मालूम है, बाकी मध्य प्रदेश में चलती हैं सरकारी बसें या नहीं चलती हैं मुझे मालूम नहीं है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी बस चलती है, उसमें किस तरह की व्यवस्था रहती है आप सभी जानते हैं, वो उसमें सस्ता टिकट होता है। वहीं आप लोग प्राइवेट बसों में देखते हैं किस तरह से बेहतर व्यवस्था रहती है, लेकिन उसका टिकट अधिक देखने को मिलता है। तो आप समझिए जो प्राइवेट हाथों में जो भी उद्यम चला जाएगा वहां आप देखेंगे स्थिति तो बढ़िया रहेगी, लेकिन उसे खरीद पाने या सुविधाएं या सेवाएं ले पाना सबके बस में नहीं होगी, समझ रहे हैं आप। ट्रेनों में आप देखिए जो प्राइवेट ट्रेनें हैं उसका किराया अधिक होता है, सुविधाएं बेहतर होती हैं, टाइमिंग कम लगता है, लेकिन आप देखेंगे सबके पास उतना पैसा नहीं रहता है कि सब उसकी उससे सफर कर सकें, उसका टिकट खरीद सकें। तो सभी अगर उस स्थिति में पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है बढ़िया काम है, लेकिन हमारे देश की स्थिति आप सभी जानते हैं क्या स्थिति है। तो इसमें आप देखेंगे आपके दोनों गलत थे,
यानी कि इसमें ना तो एक सही था ना ही दो सही था, डी ऑप्शन लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, क्या कह रहा है 86 क्वेश्चन? क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं प्लेनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रहते हैं। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तीसरा कथन है धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन आपको चुनना है, बताइए सही कथन कौन सा लगाएंगे? सही कथन बताओ। तो इसमें आपका सही होगा, क्या होगा सही? एक और तीन बिल्कुल सही है। एक तीन कैसा कथन है? बिल्कुल सही है। जो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं और धूम केतु दोनों ही सौर मंडलीय पिंड हैं, जो ग्रहों की ही भांति सूर्य की अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं यानी कि चक्कर लगाते हैं, जिसमें क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं, जबकि धूम केतु हिमशीतित धूल कणों एवं गैसों से निर्मित पिंड होते हैं। धूम केतु जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के नजदीक आते हैं तो इनके हिमशीतित कण पिघलकर पुच्छ दर्शाते हैं, और क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ठोस पिंडों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें आपका कथन एक सही है और तीन कथन आपका सही है, यानी कि आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? एक तीन, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है। आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है, कैसे होता है बताइए कुछ? आओ स्पीति के साथ स्टैगफ्लेशन के साथ, अति स्फीति के साथ। तो इसमें आप देखेंगे स्फीति के साथ, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए मुद्रा स्फीति आवश्यक है, लेकिन स्फीति कितनी हो इसके संबंध में कई अर्थशास्त्रियों में मतभेद भी है। हल्की मुद्रा स्फीति प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक का काम करती है, और योजना आयोग के अनुसार उस समय आप देखेंगे तो 3-4% की मत होनी चाहिए। आजकल तो आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्रियों का कोई मतलब ही नहीं बचा। हमारे देश की बात करें, हमारे देश में आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे वो विदेश चले गए, अमेरिका उनकी मदद ले रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था आपने देखी किस तरह से ध्वस्त होती चली गई, और हमारे जो अर्थशास्त्री थे वो कहते रह गए, समझाते रह गए सरकार को, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। खैर छोड़िए, अब क्या कर सकते हैं। चलते हैं 88 क्वेश्चन पर, क्या पूछ रहा है 88? भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता घट जाती है, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वाणिज्य बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं इसे, तो क्या जानते हैं कि बाजार की तरलता बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा पहुंचने लगता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को जिस दर पर ऋण प्रदान किया जाता है उसे आप लोग बैंक दर कहते हैं, और इसलिए आप देखेंगे जब बैंक दर कम होती है तो वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से बाजार में पैसा पहुंचता है, यानी कि तरलता का प्रभाव बढ़ जाता है, पैसे भी सबके पास पहुंचता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 89, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने अधिक सशक्त और स्थायी होती हैं, क्यों होती हैं बताइए? क्यों होती हैं? होती हैं ये तो पता है आप, लेकिन क्यों होती हैं ये पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या पूछ रहा है?
पहला कथन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। इन दोनों कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। तो आप सभी देखेंगे पहला कथन बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने अधिक सशक्त और स्थायी होती है। इसका प्रमुख कारण यही है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम देखने को मिलेंगे और पश्चिमी पवने आप देखेंगे 30 डिग्री के उच्च वायुदाब से 65 डिग्री के निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली स्थायी पवने होती हैं, जो आपकी दोनों गोलार्ध में मिलती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में मिलती है। और जबकि कोरियोलिस बल पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला बल है जो वायु की दिशा को विक्षेपित करता है। तो इसमें केवल आप क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय यानी कि नेविगेशन टाइम और दूसरी दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल डमरू को अधिक गहरा बनाकर, सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच क्राब भू संधि जल डमरू के पार नई नहर खोलकर। इनमें से आपको सही कथन बताना है। क्या करना है? सही कथन बताना है। बताइए सही कथन क्या होगा? तो इसमें आपके दोनों सही हैं। भारत और पूर्वी एशिया के बीच आप देखेंगे नौ संचालन में समय और दूरी को सीएम खाड़ी जिसे आप लोग थाईलैंड भी कहते हैं और अंडमान सागर के बीच मलक्का जल डमरू का गहरा बनाकर कम किया जा सकता है इनके बीच। यानी कि आपके दोनों कथन बिल्कुल सही होंगे, दोनों तरीके से कर सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, आहार में नियमित रूप से ताजी फलों और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? यानी कि लंबी उम्र। बताइए आप लोग कितनी लंबी उम्र रख पाओगे? एक दिन तो टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा? खैर मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का टिकट कटे। तो इसमें पहला कथन कह रहा है कि ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। दूसरा भी कह रहा है ये शरीर के कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के आंतरिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को और सक्रिय करते हैं और विद्युत की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो आपको इसमें लगाना है सी। ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। आहार में आप देखते हैं ताजे बल हरी सब्जियों के खाने यानी कि लेने से शरीर में उपापचय की क्षमता बढ़ जाती है और क्योंकि इसमें पाए जाने वाले विटामिन शरीर को क्षति पहुंचाने ऑक्सीकरण तत्वों को पहुंचाने वाले जो ऑक्सीकरण तत्व होते हैं इन्हें रोकती है और कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला को समाप्त करते हैं। ऐसे में आप देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करते हैं। तो ये उपाय किया करिएगा, आपकी भी आयु बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने 92। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यज्ञ भी उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है आपसे? सही कथन पूछ रहा है। बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देखेंगे इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है? दोनों कथन बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आपने देखा होगा ऐसी मान्यता है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, परंतु आपको यहाँ रूढ़िवादिता नहीं में देखने को मिलेगी। उपलब्ध इस समय के जो भी उपलब्ध साक्ष्य हैं उसके आधार पर अनुमान यही लगाया जाता है कि प्रत्येक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में
स्त्री हो या पुरुष हो समान रूप से भागीदार होते थे, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होता था और इसमें जाति व्यवस्था का कोई साफ उल्लेख नहीं मिलता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कपास की खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं, और आप देखेंगे साक्ष्य भी मिले तो वहाँ कपास की वस्तुओं के कुछ साक्ष्य भी आपको देखने को मिलेंगे। इसकी खेती की जाती रही होगी तो वस्त्र भी बनाए जाते रहते होंगे। तो इसमें आपका सी बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, दोनों आपके बिल्कुल सही रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 93। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आद्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? बताइए सबसे सही कौन सा है, क्या है सबसे सही पूछ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे धान और कपास, गेहूं और जूट, धान और जूट, गेहूं और कपास, क्या होगा इसमें आप देखेंगे धान और जूट। गंगा के निचले मैदानों में आप देखते हैं कि वर्ष भर जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता भी बनी रहती है, और ऐसी जलवायु क्षेत्रों में आप देखते हैं कि धान और जूट ही सर्वाधिक अच्छी फसल होती है, ज्यादा इसकी अनुकूल भी होती है, धान और जूट, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 94। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थली क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं? बताइए। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाएं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित हैं। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। इस संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? बताइए कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आप देखेंगे पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उचित दबाव के कारण चक्रवातीय वर्षा नहीं होती है, और जैसे ही ठंडी हवाओं का संवहन इसकी तरफ होता है तो महासागरीय हवाएं वर्षा नहीं करा पाती है, और इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे वह क्षेत्र रेगिस्तान रह जाता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका कैसा है बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण किस कारण से उड़ सकते हैं? सीधी सी बात यही पूछ रहा है। समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होते हैं, समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती हैं, और इसमें क्या पूछ रहा है? इन संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा कथन बिल्कुल सही स्पष्ट एक तरह से स्पष्टीकरण करता है, सही बात कहता है? तो आप बताइए 95 में क्या लगाएंगे। तो इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है, क्या है दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी कि एक कथन भी सही हो दूसरा कथन भी बिल्कुल आपका सही है। आप देखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख रूप से 5 भागों में विभाजित की जाती है। एक जैसे आप लोग ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, दूसरा आप देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, जिसे आप लोग मेसोस्फीयर भी कहते हैं, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इसमें आप देखेंगे समताप मंडल में मौसम संबंधी गतिविधियां नहीं होती हैं, और इस कारण से जेट विमानों के उड़ान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, इसमें आप लोग क्या लगाएंगे सी। क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यता अधिक होती है। पर्वतीय प्रेरणताओं ग्रेडिएंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जीव विविधता सामान्यता से अधिक होती है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही कथन पूछ रहा है? बताइए भाई सही कथन क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे सी, दोनों कथन इसमें भी सही होंगे आपके, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा आच्छादित क्षेत्रों में काफी अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। यह क्षेत्र उच्च अक्षांशों की अपेक्षा निम्न अक्षांशों में पाए जाते हैं। पर्वतीय प्रवणताओं में भी उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्न उन्नतांशों में जीव विविधता सामान्यता अधिक देखने को मिलेगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 97, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली यानी कि तिब्बत से आने वाली निकलने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पार्टों में संगणीय और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यूटर्न लेती है। यह यूटर्न क्यों बनाते हैं बनता है
यह यू टर्न क्यों बनता है बताइए, क्यों बनता है? वलित हिमालय सैनियों के उत्थान के कारण, भूविज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नगमन के कारण, तृतीय कल्पीय वलित पर्वत मालाओं की भूविवर्तनिक विक्षोभ के कारण। इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी दोनों कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देखेंगे कि भूविज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तेरा आप देखेंगे 97 में आपका क्या होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। उसका ऊपरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नगदी फसलों की खेती अधिक होती है। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती हैं? बताइए किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये सभी आप देखते हैं गुजरात में। गुजरात राज्य में आप देखेंगे ज्यादातर कृषि की जाती है। गुजरात में कपास और मूंगफली का उत्पादन प्रथम स्थान पर है। कपास की खेती ज्यादातर आप देखेंगे गुजरात के मध्य भाग में की जाती है। इसका ऊपरी भाग आप देखेंगे शुष्क और अर्ध शुष्क देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि आपके गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से ही निकल के आते हैं, पूछ लीजिएगा कभी मिले तो। 99 क्वेश्चन, आभासी निजी परिपथ क्या है? आभासी निजी परिपथ क्या है बताइए? इसमें ये ऑप्शन क्या कह रहा है? इसमें ये ऑप्शन कह रहा है कि यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेशक सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। दूसरा बी क्या कह रहा है, यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। सी ऑप्शन कह रहा है इसमें, यह ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा प्रबंधन सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों के सांझे भंडार में प्रवेश कर सकते हैं। उपयुक्त एबीसी कथनों में से कोई भी आवासीय निजी परिपथ का सही वर्णन नहीं करता है, बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आप देखेंगे क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि इसमें यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है, यानी कि बी ऑप्शन आप लगाएंगे इसमें। क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें बी लगा दीजिएगा। धर्म और रित भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है था, और रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्व के क्रियाकलापों को संचालित करता है था। तो इसमें सही कथन आपको चुनना है था, बताइए सही क्या होगा? सही क्या होगा? तो इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। धर्म तथा ऋण दोनों भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में नहीं अपितु बौद्ध धर्म की संस्कृति के विचारों से प्रभावित थे और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसके संबंध में स्पष्ट साक्ष्यों का अभाव भी मिलता है। इसमें आप देखेंगे दोनों धर्म और ऋण में दोनों कथन बिल्कुल सही है आप लोग। चलिए तो ये था आपका 2011 का यूपीएससी प्रीलिम्स का सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, जिसमें आपने देखे 100 क्वेश्चंस थे, आपके 200 नंबर का रहता है, 2 घंटे का समय मिलता है, लेकिन हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है इसलिए लंबा समय लग गया है इसमें। आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें पहले कर लेना और जो नहीं आ रहे हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत हो उसे बाद में कर लेना। चलिए तब तक इन्जॉय करिए, हम लोग मिलते हैं 2012 का प्रीलिम्स जो पहला पेपर है सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, उससे देखेंगे। सीसेट में इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ते रहते हैं, एक केवल क्वालिफाइंग रहता है, आप लोगों को इसमें पास करना होता है। जो खास मेरिट लिस्ट बनती है मुख्य परीक्षा के लिए पहुँचने के लिए, वो पेपर पहले से ही बनती है।
लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरे पेपर में भी आपको पासिंग होना चाहिए, क्वालिफाइंग तो करना चाहिए। इस पर विस्तार से बात की हुई है, इसलिए आप लोग उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा।